हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो आज के इस लेक्चर में मैं नीट 2013 से 2019 के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, और हर क्वेश्चंस के साथ जो भी क्वेश्चंस से रिलेटेड जो थ्योरी होगी, उस थ्योरी को भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मेरा नाम है अंजनी कुमार उत्तम। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 324 से ये स्टार्ट हो रहा है। A plano-convex lens fits exactly into a plano-concave lens. Their plane surfaces are parallel to each other. If lenses are made of different materials of refractive indices mu1 and mu2 and r is the radius of curvature of the curved surface of the lenses, then the focal length of the combination is. ठीक है, हिंदी में इसको रीड करते हैं अपन। एक समतल उत्तल और एक समतल अवतल लेंस एक दूसरे के ऊपर पूर्णतः ठीक बैठ जाते हैं। उनके समतल पृष्ठ आपस में समानांतर हैं। यदि इन लेंसों के पदार्थों के अपवर्तनांक μ1 तथा μ2 हैं तथा दोनों के वक्र पृष्ठों तलों की वक्रता त्रिज्या r है, तो इनके संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, मतलब इस न्यूमेरिकल के अंदर दो लेंस का कॉम्बिनेशन लिया गया है और फिर इफेक्टिव जो लेंस बनेगा, उस इफेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ जो है वो कितनी होगी, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, बेसिक जो थ्योरी है इसके पीछे की, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं। जैसे आपको दो लेंस जैसे आपको 2, 3, 4 कितने भी लेंसेज अगर आपको गिवन हो, थिन लेंसेज गिवन हो, ठीक है, जैसे कुछ इस टाइप से, राइट, 2, 3, 4 कितने भी लेंसेज आपको थिन लेंसेज होने चाहिए, वो गिवन है। और इनकी फोकल लेंथ मान लीजिए कि पहले वाले की f1 है, सेकंड वाले की f2 है, थर्ड वाले की f3 है। ये जो तीनों लेंसेज हैं वो उनका नेचर कुछ भी हो सकता है, वो कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं, कॉनकेव भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो फोकल लेंथ हमेशा हमें पॉजिटिव रखनी है, और अगर कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ हमेशा हमें नेगेटिव रखनी है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपने लेंसेज को कंबाइन कर रखा है तो जो इफेक्टिव जो लेंस बनेगा, ठीक है, इफेक्टिव जो लेंस बनेगा उसकी जो फोकल लेंथ आएगी, उसको मैं एफ इफेक्टिव या एफ इक्विवेलेंट लिख देता हूं। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आपको हमेशा याद रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है बेटा, तो 1/f=1/f1+1/f2+1/f3। ठीक है, 2, 3, 4 जितने भी लेंसेज हैं उनको आपको इस तरीके से अरेंज कर देना है, और फोकल लेंथ के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, काफी सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन के अंदर तो केवल दो लेंस दिए दे रखे हैं आपको, तो हम तो केवल F1 और F2 के लिए जाएंगे, और उनमें भी एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव है। तो कॉन्वेक्स है तो उसकी फोकल लेंथ हम पॉजिटिव रखेंगे, और कॉनकेव है तो उसकी फोकल लेंथ हम नेगेटिव रखेंगे बेटा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है और हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। देखो, तो फर्स्ट जो लेंस है वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब एक सरफेस प्लेन होती है और एक सरफेस जो है वो कर्व्ड होती है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये वाला लेंस, देखो। ठीक है, इस वाले सरफेस का जो रेडियस है ना, प्लेन सरफेस का रेडियस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। ये हमेशा ध्यान रखें आप, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। और दूसरी सरफेस जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है ना, आर के इक्वल है, यहाँ पर ये गिवन है, देखिए। ठीक है, तो एक तो लेंस ये वाला है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस क्वेश्चन के अंदर आपको μ1 दे रखा है। इस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 है, राइट। तो इस लेंस के लिए फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें फोकल लेंथ तो दे नहीं रखी है यहाँ पर। तो फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, कोई भी थिन लेंस अगर आपको गिवन हो तो उस लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, और लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, देखो, 1/f = μ2/μ1 - 1/r1 - 1/r2। ठीक है, ये है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इस लेंस मेकर फॉर्मूला की हेल्प से आप इस लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है ना, आप जब भी फॉर्मूला याद रखते हैं तो उनका उनमें जो भी
वेरिएबल्स जो यूज़ हो रहे हैं उन वेरिएबल्स का हमें पता होना चाहिए, उनका मीनिंग क्या है, ठीक है, उनको लगाना कैसे, उनको अप्लाई कैसे करना है। तो एफ तो जैसे फोकल लेंथ है, म्यू टू की बात करें तो म्यू टू क्या होता है, या म्यू टू की बजाय मैं इसको है ना म्यू एल कर देता हूँ, ठीक है, और म्यू वन को म्यू एस कर देता हूँ। इस वजह से आप इसको याद रख सकते हो, म्यू एल बाय म्यू एस माइनस वन। अब म्यू एल का मतलब क्या है, म्यू एल है जिस मटेरियल से आपने वो लेंस बनाया है ना उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे इस लेंस के लिए म्यू एल में म्यू वन रखूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है म्यू एस, म्यू एस है सराउंडिंग जो है ना, जो सराउंडिंग जो मीडियम है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको कुछ भी ना दे रखा हो तो सराउंडिंग हम एयर या वैक्यूम कंसीडर करते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन कितने लेते हैं, वन। तो म्यू एस की वैल्यू हम वन रख देंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हम वैल्यू इजिली रख सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अच्छा, ये आर वन और आर टू जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। आर वन तो पहले इधर वाली सरफेस का हो जाएगा और आर टू इस तरफ वाली सरफेस का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, इनको भी विद साइन, मतलब प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ आपको लगाना है, अप्लाई करना है बेटा, ठीक है। तो जैसे ये लेंस है, अब जैसे कोई लेंस में यहाँ पर ये कंसीडर करूँ, जैसे इस लेंस का, इस वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन है, इस वाली सरफेस का आर टू है, राइट, ओके। और ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस की ड्रॉ कर दी। अब जैसे लाइट रे में इस तरफ से इंसिडेंट करवा रहा हूं, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक है। तो आपको R1 और R2 जो है ना वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यूज करना है, और साइन कन्वेंशन इस चैप्टर का बैकबोन है भैया, ध्यान रखें। आप कोई भी न्यूमेरिकल करो रे ऑप्टिक्स का बेटा, तो आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए। अगर साइन कन्वेंशन नहीं आता है तो आप न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे तो डेफिनेटली उसमें गड़बड़ करोगे, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन बेटा आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। अब साइन कन्वेंशन कैसे लगाना होता है, देखो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं ना वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अलोंग अगर मेजर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और अगर इंसिडेंट रे के अगर अपोजिट मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, जो भी डिस्टेंस हम लेंगे या मेजर करेंगे वो हमेशा हम लेंस से मेजर करेंगे, ठीक है। बात आई समझ में, मतलब जहां से भी रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, जहां से भी कोई भी ऑप्टिकल इवेंट जो है वो हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्टिकल इवेंट जहां से भी होगा, जिस सरफेस से होगा, चाहे रिफ्रैक्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो, डिस्टेंस हमेशा वहीं से ही अपन मेजर करेंगे, ठीक है। तो देखो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। अब जैसे आर वन है, तो आर वन का मतलब ये हुआ कि ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस का सेंटर किधर आएगा, इस तरफ आएगा ना, तो सेंटर इस तरफ आएगा, तो ये डिस्टेंस आर वन है बेटा, करेक्ट। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन अगर आपको देखनी है तो वो इस तरफ है, और अगर मुझे R1 मेजर करना है तो मुझे यहां से, देखो जहां से घटना घट रही है ना, जहां से ये ऑप्टिकल इवेंट हो रहा है बेटा, वहीं से ही आपको डिस्टेंस को मेजर करना है, तो आपको इस तरफ जाना पड़ेगा R1 को मेजर करने के लिए। तो R1 यहां पर फिर इस तरफ जाएंगे तो फिर ये इंसिडेंट रे के अलोंग, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, समझ में आई बात। अब जैसे इस सर्फेस की बात करें तो इस सर्फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, आर टू है, तो इसका सेंटर इस तरफ है ना, इस तरफ है सेंटर। तो अगर हमें R2 को मेजर करना है तो मुझे यहां से इस तरफ जाना पड़ेगा, इसके सेंटर की तरफ, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट हो गया, तो R2 मुझे नेगेटिव रखना पड़ेगा। बात आई समझ में आपको। तो ये फॉर्मूला हमें प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ लगाना है, ठीक है। तो अब देखो जरा कैसे लगाएं, देखो तो यहां पर ये इंफिनिटी है, इस तरफ R है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन मैंने इस तरफ कंसिडर कर ली। तो अब आप थोड़ा सोचना, दिमाग लगाना, देखो तो वन अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू एल बाय म्यू एस है, म्यू एल की वैल्यू कितनी, म्यू वन है, क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पर, और म्यू एस कितना सराउंडिंग है ना, तो वो गिवन नहीं है, या दे भी रखा है तो अच्छी बात है, एयर है तो वन हो जाएगा, माइनस वन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन। आर वन की बात करें तो आर वन इनफाइनाइट है यहाँ पर, तो वन अपॉन इनफाइनाइट रख दो, ठीक है, तो वो तो वैसे भी जीरो हो जाना है, माइनस वन अपॉन आर टू। अब आप आर टू को देखो जरा, ये सरफेस जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू है, और अगर आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो किस तरफ जाओगे, देखो डिस्टेंस इसका सेंटर किधर आएगा, इस सरफेस का, इस तरफ आएगा ना, तो आपको इस तरफ जाना पड़ेगा R2 को कैलकुलेट करने के लिए। तो R जो है, R2 जो है वो R है, लेकिन R किसके साथ, माइनस के साथ, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो ये हम R माइनस के साथ रखेंगे। देखो अब देखो यहां से 1 अपॉन F की वैल्यू आ गई, इसको मैं F1 लिख देता हूं, फर्स्ट लेंस सही है, F1 लिख देता हूं मैं, तो 1 अपॉन F1 इक्वल्स टू यहां पर क्या बचेगा, म्यू वन माइनस वन, तो आगे तो सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, और ये 1 अपॉन इंफिनिटी जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन आर आ गया, तो ये डिवाइड में आर लिख देता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास किस लेंस की फोकल लेंथ आ चुकी है इस रिलेशन से,
कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आ चुकी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक और लेंस हमने यहाँ पे लिया इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और वो लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस है, राइट, कॉनकेव लेंस, और वो भी कैसा? प्लेनो कॉनकेव लेंस है। देखो अब प्लेनो कॉनकेव लेंस में अगेन वही सेम चीज, एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस कॉनकेव है। चलो ऐसे ले लेता हूं मैं, ठीक है, लेंस को चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, है ना, उनका ओरिएंटेशन अगर डिफरेंट भी ले लेना तो उससे फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये ध्यान रखें हमेशा। ठीक है, तो लेंस को अगर मैं यूं रख दूं या इसका जस्ट अपोजिट रख दूं, ऐसे रख दूं, तो भी फोकल लेंथ होगी वही आएगी, आप रख के सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने इस टाइप से इस लेंस को कंसीडर किया, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसने आर ही दिया है क्वेश्चन के अंदर, ओके, और ये सरफेस जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? इनफाइनाइट है, प्लेन सरफेस है ना, और इंसिडेंट रे मैंने इस तरफ कंसीडर कर ली, और इसके मटेरियल का रिफ्रैक्ट इंडेक्स कितना गिवन है? म्यू टू गिवन है, और सराउंडिंग जो है वो एयर है, तो म्यू उसका वन हो जाएगा। अगेन इसके लिए भी अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ध्यान देना, फॉर्मूला तो यही लगेगा है ना। अब इसके लिए फोकल लेंथ में एफ टू यूज कर लेता हूं, वन अपॉन एफ टू बराबर, यहां पे देखो ब्रैकेट में म्यू एल, म्यू एल की जगह क्या रखोगे? म्यू टू, ठीक है, बाय म्यू एस सराउंडिंग का वन माइनस वन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन। अब वन अपॉन आर टू की वैल्यू रखनी है मुझे, ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, वन अपॉन आर वन, आर वन इसका आर है, और अगर आप देखें डिस्टेंस को तो देखो इंसिडेंट रे इस तरफ है और आप इसका सेंटर जो आएगा इस सरफेस का इस तरफ आएगा ना, तो आप डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इधर जाओगे ना, लेंस से ही तो मेजर करोगे, इस तरफ जाओगे तो अपोजिट जा रहे हो ना, तो वैल्यू नेगेटिव में रखनी है हमें। तो यहां पे 1 अपॉन r1 में क्या रख देंगे अपन? माइनस का 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r2, r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट, प्लेन सरफेस है ना, तो इनफाइनाइट हो जाएगा ये, तो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा बेटा। तो यहां से देखो 1 अपॉन f2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे एंड लगा के लिख देता हूं मैं, 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन, है ना, और ये माइनस का वन अपॉन आर बचेगा और वन अपॉन इनफिनिटी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर बस माइनस आ जाएगा और म्यू टू आ जाएगा, बस फर्क इतना ही है, करेक्ट। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इस लेंस के लिए हमने किस तरीके से ये फॉर्मूला लगाया है ना, तो बहुत ही बेसिक चीज है बेटा, और मैं एक एक स्टेप को एक एक चीज को क्लियरली आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इस चीज को अच्छे से समझना, आप थ्योरी भी इसके साथ हम कवर कर रहे हैं। अब देखो अगर हम इन दोनों लेंस को कंबाइन कर दें, और कैसे कंबाइंड किया इसने? कुछ ऐसे कंबाइंड किया, देखो ये तो प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया और प्लेनो कॉनकेव था, प्लेनो कॉनकेव को इसके साथ एडजस्ट कर दिया इस तरीके से, देखो ऐसे, तो प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव इन दोनों लेंस को एक साथ इस तरीके से एडजस्ट कर दिया, और अब आपसे पूछा है कि बताइए इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगी इस कॉम्बिनेशन की, तो इसका एफ वन है, इसका एफ टू है ना, एफ वन एफ टू, तो अब आपको क्या कर देना है? फॉर्मूला लगा देना है इफेक्टिव फोकल लेंथ के लिए, 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, सही है। अब इसको लगाओ, चलो 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके थे, μ1 माइनस 1 अपॉन r, ये वैल्यू रख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है, फिर 1 अपॉन f2, 1 अपॉन f2 की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव आई है ना, नेगेटिव वहां पर क्यों आई है? क्योंकि वो कॉनकेव लेंस है, तो वहां पे नेगेटिव साइन ऑलरेडी आ चुका है, तो अब वापस नेगेटिव मत लगा देना, नेगेटिव नेगेटिव लगा करके इसको पॉजिटिव कर दो, ऐसा गलती मत कर देना, ठीक है, तो वहां पर वो फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, तो वो ऑलरेडी वहां पर साइन इंक्लूडेड है, इसका मतलब वो डायरेक्ट वैल्यू यहां पे रख सकता हूं मैं, माइनस म्यू टू माइनस वन अपॉन में आर, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करना है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, और आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, देखो अब इसको सॉल्व कर ले अपन, आर एलसीएम आ जाएगा इसका, ऊपर देखो म्यू वन माइनस वन माइनस म्यू टू माइनस माइनस प्लस वन, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, देन वी हैव म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर, ये देखो वन अपॉन एफ की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, तो इसका रेसिप्रोकल इसका उल्टा क्या आ जाएगा, देखो इसको रेसिप्रोकल लो इसका, जस्ट अपोजिट कर दो, देखो वन अपॉन एफ मतलब एफ हो जाएगा आर अपॉन में म्यू वन माइनस म्यू टू, ये वैल्यू आ गई, देखो है ना, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, हालांकि मैंने यहाँ पे टाइम लिया आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में, ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इस टाइप के भी क्वेश्चन आए तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 325, फॉर ए नॉर्मल आई द कॉर्निया ऑफ आई प्रोवाइड्स ए कन्वर्जिंग पावर ऑफ 40 डायोप्टर एंड द लीस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस बिहाइंड द कॉर्निया इज 20 डायोप्टर। Using this information, the distance between the retina and the cornea eye lens can be estimated to be. Question मैंने read कर दिया English के अंदर, हिंदी में भी देख लेते हैं। सामान्य नेत्र में कॉर्निया की अभिसारी शक्ति
40 डायोप्टर है तथा कॉर्निया के पीछे नेत्र की जो न्यूनतम अभिसारी शक्ति वो 20 डायोप्टर है। इस सूचना से नेत्र के रेटिना तथा लेंस के बीच की अनुमानित दूरी क्या होगी? ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन। देखो आई के बारे में अगर अपन देखें, ये आई लेंस है, ये कॉर्निया है इसका, ठीक है, कॉर्निया भी जो है वो भी एक लेंस की तरह ही बिहेव कर रहा है यहां पर, है ना, और जो कॉर्निया है वो भी एक लेंस है और आई लेंस दोनों लेंस हैं, और दोनों कैसे हैं, पावर आपको दे रखी है दोनों के, देखो 40D एंड 20D, पावर पॉजिटिव है इसका मतलब पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, तो पावर अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोनों कैसे ही नेचर है, दोनों की कन्वर्जिंग नेचर है, मतलब दोनों कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों का इफेक्टिव लेंस अपन बना सकते हैं, मतलब इफेक्टिव फोकल लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो जो आई बॉल आपको जो नजर आ रही है इसका जो रेटिना है वो डेफिनेटली यहां पे होता है, इतना आप जानते हो, तो रेटिना की इस लेंस से या ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी रफली, ठीक है, ये डिस्टेंस हमसे पूछी, ठीक है, इस डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ हमें ऑलरेडी मालूम है, फोकल लेंथ हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, हालांकि हमें इसकी पावर दे रखी है P1 = 40D, ठीक है, और जो आई लेंस है उसकी भी पावर दे रखी है, लेकिन वो कौन सी पावर है, एंड द लीस्ट कन्वर्जिंग पावर, आप जानते हो लीस्ट कन्वर्जिंग पावर का मीनिंग क्या हुआ, लीस्ट कन्वर्जिंग पावर का मतलब ये हुआ मिनिमम पावर आई लेंस की। अच्छा, हमारी जो आई होती है, आई लेंस जो होता है वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता रहता है ना, अकोमोडेशन ऑफ आई जिसको बोलते हैं अपन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना हमारी आंख के सामने, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है और हम अगर उस ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की मोशन के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फ्रॉम आई, हमारी जो आई का जो लेंस है ना उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो आई है वो फाइनली जो इमेज फॉर्म करती है वो रेटिना पे फॉर्म करती है बेटा, इसका मतलब इमेज की जो डिस्टेंस है ना लेंस से वो हमेशा फिक्स रहती है, और आई लेंस और लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं, 1/V - 1/U = 1/F होता है, ये लेंस फॉर्मूला होता है ना, तो अगर जो इमेज है वो इमेज अगर यहाँ से यहाँ तक रेटिना पे बनानी है, हमें रेटिना पे बनानी ही पड़ेगी तभी हम उस इमेज को देख पाएंगे, हमारा ब्रेन जो उसको फील कर पाएगा, तो मतलब v फिक्स हो गया इसका, v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, v फिक्स हो गया, तो अगर v फिक्स हो गया तो अब आप थोड़ा लॉजिकली सोचना, अगर ऑब्जेक्ट इसके सामने यहाँ पर रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चेंज होगी ना, ये डिस्टेंस अगर चेंज होगी तो u चेंज होगा, तो अब एक बार बताओ अगर जब u चेंज होगा तो क्या फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी क्या, डेफिनेटली चेंज होगी, है ना, क्योंकि v तो फिक्स है, तो v अगर फिक्स्ड है u चेंज हो रहा है तो f भी चेंज होगा, फोकल लेंथ भी डेफिनेटली चेंज होगी। तो अगर आप थोड़ा गौर करें, जैसे आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जैसे मैं ही देख रहा हूँ इस पेन को, ठीक है, तो अगर मैं इस पेन को देखूंगा तो पेन मुझे क्लियरली नजर आ रहा है, लेकिन उसके अलावा जो भी जो दूसरी चीजें हैं वो मुझे थोड़ी ब्लर्ड नजर आएगी, उनकी इमेज अच्छे से नजर नहीं आएगी मुझे, ऐसा क्यों, रेज लाइट रेज तो सबसे आ रही है सामने से, लेकिन मैंने जब इस पर फोकस किया तो मेरी जो आई है ना, आई का जो लेंस है वो इसके अकॉर्डिंग उसकी फोकल लेंथ सेट हो गई, तो इससे जो लाइट रेज आ रही है वो रेटिना पे पूरी तरह से फोकस हो रही है, तो इसकी इमेज प्रॉपरली वहां पे बन रही है, लेकिन जो दूसरे ऑब्जेक्ट है ना सराउंडिंग में, उन ऑब्जेक्ट से भी लाइट रेज आ रही है वो, लेकिन वो लाइट रेज हमारे रेटिना पे अच्छे से फोकस नहीं हो पा रही है, तो हमारी रेटिना पे उनके लिए इमेज नहीं बनेगी, थोड़ा ब्लर्ड दिखेगा हमें, ठीक है, और अगर मैं दूर देखूंगा किसी चीज को तो वो दूर वाली चीज अच्छे से नजर आएगी, ठीक है, लेकिन ये वाली चीज फिर मेरे को ब्लर नजर आएगी, है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है ये। तो लीस्ट कन्वर्जिंग पावर का मीनिंग क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट, लीस्ट का मतलब 1/F सबसे कम, लीस्ट कन्वर्जिंग पावर, पावर सबसे कम होने का मतलब F सबसे ज्यादा, F सबसे ज्यादा, F इसकी फोकल लेंथ है ना आई लेंस की, F सबसे ज्यादा, F ज्यादा कब होगा सोचो, जब U इन्फिनिटी होगा, मतलब जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट दूर होगा ना, ठीक है, तो उस केस में F सबसे ज्यादा होगा, कि U ज्यादा होगा ना तो 1/U सबसे कम होगा, सीधी सी बात है, ऑटोमेटिकली 1/V जो है, यहां पर V जो हो तो फिक्स है ना, V
वी तो फिक्स है, फिर ये वाली क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है ना यहाँ से, सीधी सीधी नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो है वो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, वेरी फार डिस्टेंस पर है, तो उस केस में क्या होगा, इसकी इस लेंस की, आई लेंस की जो पावर है वो सबसे कम होगी और फोकल लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होगी। ओके, तो अब हम इसको करेंगे। देखो, इसका मतलब ये हुआ, हमको ये कहना चाहता है कि जो लाइट रेज हैं वो पैरेलल आ रही हैं इस पे, है ना, पैरेलल लीस्ट कन्वर्जिंग पावर के लिए। और इस आई लेंस की जो पावर है P2 हमें कितनी दे रखी है, 20 डायोप्टर, समझ गए बात को, इन्फिनिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों लेंस की बात करूं, दोनों लेंस को आपने कंबाइन किया है, तो इफेक्टिव जो फोकल लेंथ होती है वो हमने अभी अभी पढ़ी थी, 1/f = 1/f1 + 1/f2, और फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है वो पावर होता है, बोलो, तो P = P1 + P2 हो गया, बोलो, P = P1 + P2, P1 आपको 40 दे रखा है, P2 आपको 20 दे रखा है, तो P कितना आ जाएगा, 60 डायोप्टर ना। इसका मतलब जो ये दोनों लेंस से कंबाइन कर दें तो फिर जो इफेक्टिव लेंस बनेगा यहाँ पर, ये इस इफेक्टिव लेंस की जो पावर है वो 40 डायोप्टर है, और 40 डायोप्टर है और इन्फिनिटी से रेज आएंगी तो वो कहाँ पे मिलेंगी, बताओ, रेटिना पे ना मिलनी जरूरी है, रेटिना पे मिलेंगी, इसका मतलब जो फोकल लेंथ है वही होती है ना, ये फोकस होगा ना ये उस केस में, तो ये वाली लेंथ फोकल लेंथ होगी, और फोकल लेंथ मतलब पावर का रेसिप्रोकल, इसका मतलब मुझे एफ फाइंड आउट करना है, तो एफ बेटा पावर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1/60 मीटर के अंदर आ गया, ये समझ गए बात को, 1/60 मीटर, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 1/60 मीटर, और सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10/6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 1.4 बचेगा, तो 1.67 के अराउंड ये वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर में। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ना 1.67 सेंटीमीटर के अराउंड आ गई लगभग, इज दैट क्लियर। तो ये हमसे पूछा था और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो नीट में पूछा गया ये क्वेश्चन 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 326, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, यदि अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जाए, ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि जो माइक्रोस्कोप है ना, माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर जो है और टेलीस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब ये आप तभी कर पाओगे जब आपको इनका फॉर्मूला पता हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टेलीस्कोप की बात करता हूँ बेटा, टेलीस्कोप के लिए ध्यान रखें, मैग्नीफाइंग पावर जो कैपिटल एम होता है रिलैक्स्ड आई के लिए, रिलैक्स्ड आई मतलब आपको जो फाइनल इमेज देखनी है वो इन्फिनिटी पे देखनी है, ठीक है। जब भी कुछ नहीं दिया हो ना तो रिलैक्स्ड आई के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर फॉर टेलीस्कोप, टी लिख देता हूँ इसको, वैल्यू होती है एफ नोट अपॉन एफ ई, करेक्ट, एफ नोट बाय एफ ई, काफी फेमस फॉर्मूला है ये, तो टेलीस्कोप के लिए हो गया। और मैग्नीफाइंग पावर फॉर माइक्रोस्कोप अगर हम बात करें, ठीक है, ये वैल्यू होती है वी नॉट अपॉन यू नॉट डी बाय यू, ये फॉर्मूला होता है मैग्नीफाइंग पावर फॉर माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है ना। अब देखो एक चीज इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो क्या है, देखो V नोट अपॉन जो U नोट है, अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखो तो इसमें दो लेंस होते हैं, ठीक है, वन इज ऑब्जेक्टिव एंड अदर वन इज आईपीस, आईपीस हमारी आई के पास वाला लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के पास वाला लेंस होता है, ठीक है, और इन दोनों लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, राइट। इस ऑब्जेक्टिव के पास में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखते हैं, और ये वाली डिस्टेंस होती है बेटा यू नॉट, और इसकी जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, इंटरमीडिएट जो इमेज बनती है ना वो रियल बनती है, और इस इमेज की डिस्टेंस होती है यहाँ से ऑब्जेक्टिव से वी नॉट, और ये जो इमेज बन रही है इमेज इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, और ये डिस्टेंस होती है यू ई। रिलैक्स मोड में हम देखना होता है तो फिर यू ई जो है वो एफ ई के बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, एफ ई के बराबर, तो इसको आप यू ई को आप एफ ई के बराबर भी रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। हालांकि इसमें एफ ई के बारे में कुछ दिया नहीं है, कुछ कहा नहीं है,
तो आप एफ ई को इग्नोर यू ई के बराबर ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें केवल एफ नोट के बारे में बात करनी है यहाँ पर, ठीक है। अब वी नोट अपॉन यू नोट की बात करें तो जनरली ये मैं चीज बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना ये चीज, जनरली जो ऑब्जेक्ट लेते हैं ना ऑब्जेक्टिव लेंस से, वो ऑब्जेक्ट बेटा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम फोकस पे रखते हैं, ऑलमोस्ट फोकस पे, फोकस से थोड़ा सा आगे हल्का सा, ताकि इमेज वर्चुअल नहीं बन जाए, लेकिन लगभग लगभग हम फोकल लेंथ पे रखते हैं। तो जो यू नोट है ना वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एफ नोट के इक्वल होता है, और जब यू नोट एफ नोट के इक्वल होता है ऑलमोस्ट, जो इमेज बनती है ना वो काफी लार्ज डिस्टेंस पे बनती है। लार्ज का मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप एल जो है, ये जो यू है ना ये वी नोट के कंपेरेटिवली काफी छोटा हो जाता है, मतलब जो वी नोट है ना, वी नोट आपको नजर आ रहा है वो वी नोट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एल के बराबर हो जाता है, क्योंकि वी नोट लार्ज हो गया, क्योंकि एफ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखें अपन फोकस पर तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, हमें मालूम है, लेकिन ये जस्ट एग्जैक्टली एफ पे नहीं रखा, एफ से थोड़ा सा आगे, तो इमेज जो है वो काफी लार्ज डिस्टेंस पे बनेगी आप ये कह सकते हो। तो ये जो वी नोट है ना वो ऑलमोस्ट एल के बराबर हो जाता है, और यू ई वी नोट के कंपेरेटिवली काफी छोटा होता है, तो हम वी नोट को ऑलमोस्ट क्या रख सकते हैं, वी नोट को रख सकते हैं हम ऑलमोस्ट एल, और जो यू नोट है उसको ऑलमोस्ट एफ नोट के इक्वल रख सकते हैं। तो जो माइक्रोस्कोप है उसका मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट वो आ जाएगा वी नोट हो गया एल और यू नोट हो गया एफ नोट, और इस तरफ आ जाएगा डी बाय यू ई, करेक्ट। ये मैग्नीफाइंग पावर जनरली हम यूज करते हैं, कुछ नहीं दे रखा होता है तो हम जनरली ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, बाकी कंडीशंस दे रखी होती तो मेन जो फॉर्मूला वो यही वाला ही है। अब हमें ये चेक करना है कि फोकल लेंथ अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की, अभिदर्शक लेंस की फोकल लेंथ अगर आप इंक्रीज कर दो तो मैग्नीफाइंग पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आप एफ नोट को इंक्रीज करोगे तो यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी, ये तो समझ में आ ही रहा हमें, और अगर आप एफ नोट को इंक्रीज करोगे तो यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज, क्योंकि एफ नोट यहां पे क्या डिवाइड में बेटा, तो माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो तो डिक्रीज हो जाएगी और टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर जो वो इंक्रीज हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 327, द एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए, अब प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखते हैं। वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड, लाइट रेज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a ऑन द फर्स्ट सरफेस रिटर्न्स बैक थ्रू द सेम पाथ आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन एट द सिल्वर्ड सरफेस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द प्रिज्म इज, किसी प्रिज्म का कोण ए है, इस प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ फलक रजतित कर परावर्तक बना दिया गया है, इसके पहले पृष्ठ पर 2a कोण पर आपतित प्रकाश की किरणें रजतित पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस आ जाती हैं, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक मतलब म्यू क्या होगा, ठीक है। प्रिज्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन, देखो ये प्रिज्म मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, प्रिज्म एंगल आपको ए दे रखा है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, और इस पर है ना एक लाइट रे इंसिडेंट होती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इसने क्लियरली दे रखा है 2a के इक्वल है, ठीक है। तो लाइट रे एयर से डेंसर मीडियम में जा रही है और प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू के इक्वल है, तो रेयर से डेंसर में जब जाएगी तो लाइट रे डेफिनेटली नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, ऐसे हो गई। और ये कह रहा है कि जो सेकेंड सरफेस है ना वो रिफ्लेक्टिंग बना दी गई है, अब जब रिफ्लेक्टिंग बनाओगे तो डेफिनेटली लाइट रे इससे इमर्ज नहीं हो पाएगी, वापस आएगी, क्योंकि मिरर की तरह बिहेव कर रहा है ये सरफेस, है ना। तो अब ये कह रहा है कि लाइट रे जैसे इस पे इंसिडेंट होती है तो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करती है, वापस आ जाती है, लौट के उसी पाथ से आ जाएगी। अब जो वापस आने का मतलब क्या हुआ, वापस आने का मतलब ये हुआ ना कि लाइट रे यहां पर डेफिनेटली 90 डिग्री एंगल पर स्ट्राइक कर रही है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे जीरो हो गया। अरे भाई मिरर पर अगर लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंट करती है, मतलब ऐसे आती है, तो ऑब्वियसली लाइट रे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, और रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो फिर उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, वो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे, तो लाइट रे वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, वापस आ जाएगी। इसका मतलब अब हमें ये तो पता है कि ये वाला एंगल R1 होता है प्रिज्म के लिए, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो R2 होता है, इस सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है R2, और यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि R2 जीरो है, क्योंकि नॉर्मल तो यही हुआ ना, नॉर्मल यही हुआ, तो नॉर्मल के साथ लाइट रे कितना एंगल बना रही है, जीरो एंगल, इसका मतलब R2 यहाँ पे जीरो है। और A जो है वो R1 और R2 के साथ आप कैसे लिख सकते हो, R1 plus R2 is equal to A, ये प्रिज्म की बेसिक थ्योरी है, ज्योमेट्री से हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो R2 की वैल्यू तो यहाँ पर जीरो है,
आर वन प्लस जीरो इक्वल्स टू ए, इसका मतलब आर वन की वैल्यू ए आ गई, मतलब ये वाला जो एंगल है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे आर वन जो है वो ए के इक्वल आया, और ये वाला एंगल टू ए के इक्वल है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब बेटा अगर आपको म्यू कैलकुलेट करना है तो आप स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो ना, तो स्नेल्स लॉ हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो देखो वन बाहर मीडियम जो है वो एयर है, तो वन इंटू साइन आई, आई कितना यहाँ पे टू ए, तो वन इंटू साइन आई मतलब साइन टू ए इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर वन, और आर वन की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की ए। अब साइन टू ए है यहां पर, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा दो, टू साइन थीटा कोस थीटा, तो टू साइन ए कोस ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस तरफ साइन ए आ रहा है, हाफ एंगल में आ रहा है, तो ये इससे कट जाएगा, और यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, टू कोस ए आया कि नहीं आया, देखो इतना सिंपल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड, टू कोस ए। ये भी काफी सिंपल था, थोड़ी सी मैथमेटिकल अप्रोच थी हल्की सी, और ज्योमेट्री थी थोड़ी, उसको समझना था हमें, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 328 पे चलते हैं। देखो द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज कोट ए बाई टू, मतलब म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है प्रिज्म की, इतना है कोट ए बाई टू। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, ये ध्यान रखें, प्रिज्म एंगल जो होता है या एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है या रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कई बार लिखा होता है, ठीक है, ये मीनिंग सेम होता है दोनों का, ठीक है ना। तो प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब सेम है बेटा, तो प्रिज्म एंगल यहां पे कितना दे रखा है आपको, ए दे रखा है, और द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछा आपसे, मतलब डेल्टा मिनिमम की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण, हिंदी में अपवर्तक कोण है देखो, या प्रिज्म कोण दे दे या अपवर्तक कोण दे दे, मतलब एक ही है, ठीक है। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक आपको ये दे रखा है, इस प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब ये कैसे कैलकुलेट करें, देखो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको गिवन है म्यू या फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है, प्रिज्म एंगल आपको दे रखा है, मिनिमम डेविएशन वाला एंगल भी अगर आपके पास है, तो एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है मिनिमम डेविएशन के लिए, बहुत ही फेमस चीज है, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में भी है और बहुत ही खास फॉर्मूला है बेटा, ये डेल्टा मिनिमम है, मिनिमम डेविएशन वाला एंगल है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म के मटेरियल का। तो अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन मिल रहा है आपको, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको म्यू दे रखा है, देखो कोट ए बाई टू दे रखा है ना, तो म्यू की वैल्यू में कोट ए बाई टू यहां रख दूंगा, है ना, और इज इक्वल टू यहां पे कितना है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, और डिवाइड में कौन है, साइन ए बाई टू है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू में साइन ए बाई टू आ गया, आ गया। अब देखो कोट ए बाई टू होता है, कोट क्या होता है, कोस अपॉन में साइन होता है, तो कोट ए बाई टू में क्या लिख सकता हूँ, कोस ए बाई टू अपॉन में साइन ए बाई टू, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, कोस ए बाई टू अपॉन में साइन ए बाई टू आ जाएगा, इंटू में साइन ए बाई टू भी है, तो साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कट जाएगा ना, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल कोस ए बाई टू बचेगा, अंडरस्टूड। तो कोस ए बाई टू यहाँ आ गया, और इस तरफ कौन है, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, देखो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, एएफएमटी में क्वेश्चन आया हुआ है ये 2015 के अंदर, ठीक है। तो बेटा जो मैथमेटिकल अप्रोच है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये बेसिक जो चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए, है ना, मेडिकल में हो आप, लेकिन फिर भी आपको ये चीजें बेटा सीखनी है, ठीक है, इनसे दूर मत भागिए आप, इन चीजों को सीखें क्योंकि इनका यूज आता है। देखो अब यहां पे यूज आ रहा है, देखो इस तरफ तो कोस है, इस तरफ साइन है, और हमें डेल्टा मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करें, तो या तो दोनों को कोस बना लो या दोनों को साइन बना लो, जैसे यहां पे कोस दिख रहा है ना आपको, इस कोस को मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, या डिग्री में लिखें तो डिग्री में भी लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। अब आप थोड़ा सोचो, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो इसको मैंने साइन में कन्वर्ट कर लिया, और इधर राइट हैंड साइड में कौन है, राइट हैंड साइड में भी साइन है, देखो साइन
डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, है ना। अब देखो दोनों तरफ साइन साइन आया, इसका मतलब दोनों एंगल भी सेम होने चाहिए। इसका मतलब एंगल सेम होने का मतलब आप इसमें एलसीएम ले लो, देखो 90 माइनस ए बाई टू, टू का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 180 माइनस ए बाई टू। इस तरफ देखें तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू आ गया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो 180 माइनस ए इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए, ए इस तरफ आएगा प्लस का ए, इस तरफ आएगा तो माइनस का ए हो जाएगा। तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा 180 माइनस 2a, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 180 माइनस 2a। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन देखो पूरा मैच कर रहा है ना, तो काफी इजी था, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोच रही है देखो, तो वो चीज हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंसेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.5। प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंस है, ठीक है, एक सरफेस प्लेन है और कॉन्वेक्स लेंस है। ईच हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड विद देयर कॉन्वेक्स सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ओके, एट द सेंटर द इंटरवेनिंग स्पेस इज फिल्ड विद ऑयल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, दो सर्व सम पतले समतल उत्तल लेंसों में प्रत्येक का अपवर्तनांक 1.5 तथा प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इनको इस प्रकार रखा गया है कि इनके उत्तल पृष्ठ केंद्र पर एक दूसरे के संपर्क में है, दोनों लेंसों के बीच खाली रिक्त स्थान को 1.7 अपवर्तनांक के तेल से भर दिया जाए तो इस प्रकार बने संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। मतलब आपको जो कॉम्बिनेशन दे रखा है ना कुछ ऐसा है, देखो मैं डायग्राम बनाऊं, आइडेंटिकल है, मतलब ये दोनों लेंस सेम है, समान है एकदम। इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ अगर एफ है ना, या एफ नोट मानू, इस वाले की फोकल लेंथ भी एफ नोट के इक्वल होगी, आइडेंटिकल एकदम सेम है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का 1.5 दे रखा है अपन। अब कह रहे जो बीच वाला जो मीडियम नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला खाली, इसमें आपने एक लिक्विड फिल कर दिया, ऐसे करके, और इसमें कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है लिक्विड फिल किया है 1.7। तो अब यहां पर एक्चुअल में देखा जाए तीन लेंस हो गए, थ्री लेंसेज हैं यहां पर, और ये बीच वाला जो लिक्विड है ये भी एक लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा इसकी ज्योमेट्री को देखो तो ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, देखो दिख रहा है ना, ये दोनों कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव है। इसकी फोकल लेंथ अपन लिख देते हैं ओनली एफ, चलो एफ एज्यूम कर ली इसकी फोकल लेंथ। और ये तीनों लेंस जो हैं वो सीरीज में आपने रखे हैं, कंबाइंड करके रखा है, और कंबाइंड करके रखा है इनको, और इनकी तीनों की इक्विवेलेंट अगर मैं फोकल लेंथ आपसे पूछूं तो फॉर्मूला क्या लगा दोगे, अभी अभी हमने सीखा था, 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, तीन लेंस है ना यहां पर, तो 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, f1 कितना है f नॉट, f2 कितना है f3, और f2 कितना है f के इक्वल है, ठीक है। तो अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा। अब वैल्यू हमें यहां पर दे नहीं रखी है, तो हम वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले और फॉर्मूला लगाएंगे जिससे पहले किया था ना वैसे सेम अप्रोच से। चलो सबसे पहले हम f नॉट की वैल्यू निकालते हैं, तो 1/f नॉट इज इक्वल टू, सबसे पहले इस लेंस की बारी आती है, तो इस लेंस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 1.5 गिवन है ना आपको, 1.5, तो म्यू एल बाई म्यू एस, तो 1.5/1 - 1, ठीक है। इन तीनों लेंस को सेपरेट कर दो आप अलग अलग, ऐसे एक लेंस यूं, फिर ये ब्लू वाला आ गया, फिर ये नेक्स्ट ये लेंस, इन तीनों लेंसेज की अलग अलग फोकल लेंथ निकालिए, और वो भी एयर के अंदर, इसके अंदर एयर के अंदर, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट लेंस है ये वाला, है ना, साइड में एयर है, तो म्यू एस यहां पे क्या आएगा 1, ऊपर म्यू एल है 1.5 माइनस 1, ब्रैकेट में 1/r1 इंफिनिटी प्लेन सरफेस है, माइनस 1/r2 इंसिडेंट रे के अपोजिट जाओगे तो r वो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव आना है फिर, तो ये 1.5 माइनस 1 कितना आएगा 3/2 माइनस 1, 1/2 आया ना, और ये 1/ ये प्लस r हो जाएगा, और r की वैल्यू हमें दे रखी 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 में रख दूंगा यहां पर, तो कितना आया 1/40 आया ना, तो 1/f0 की वैल्यू 1/40 आ गई। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ भी सेम है इस वाले की, थर्ड वाले की भी, इसकी भी लिए भी 1/40 आएगा। तो अब हमें जो मेहनत करनी है वो केवल बीच वाले लेंस के लिए करनी है, ठीक है। अब बीच वाले के लिए हम इसके लिए फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। चलो देखो, बीच वाला लेंस की बात करें तो इसकी दोनों सरफेस जो है वो एग्जैक्टली जो है जो रेडियस आएगी वो इन दोनों लेंस के सेम है ना, बराबर है ना, मतलब इस वाले की रेडियस भी आर होगी, इस वाले रेडियस भी आर होगी, बोलो, ठीक है। तो इस कॉनकेव लेंस के लिए अगर मैं फोकल लेंथ कैलकुलेट करूं जिसको मैंने एफ एज्यूम किया है, तो 1/f =
म्यू एल बाय म्यू एस, म्यू एल मतलब इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो लिक्विड से फिल किया ना अपने 1.7 से 1.7 रख दो, बाय म्यू एस, म्यू एस बेटा यहाँ पर 1 रखना है एयर का, ठीक है स्टूडेंट क्या कर देते हैं इन दोनों का जो आजू बाजू में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू रख देते हैं, ना 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 अलग अलग है ना, इनको सेपरेट कर दो फिर एयर के अंदर, तो 1.7 आ गया बटा में 1 माइनस 1, अब सबसे पहले आएगा 1 अपॉन R1 की बात करें बेटा तो R1 इसका क्या है, इस तरफ है नेगेटिव है तो 1 अपॉन R, वो भी नेगेटिव में आ गया, माइनस 1 अपॉन R2, R2 की बात करें तो इस सरफेस का जो रेडियस है सेंटर इधर आएगा ना, इंसिडेंट रे के अलोंग है तो वो पॉजिटिव आएगा, तो 1 अपॉन R प्लस का, लेकिन ये माइनस का 1 अपॉन R, माइनस का 1 अपॉन R, माइनस का 2 बाय R आ जाएगा, तो यहाँ से देखो 1 अपॉन F की वैल्यू कितनी है, देखो ये 17/10 हो गया, एलसीएम लोगे तो 17/10 माइनस में होगा तो ये 7/10 हो जाएगा, ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं है, ये 7/10 आ गया, उसके अलावा यहाँ पे देखो माइनस का 2 बाय R है तो माइनस का 2 बाय R, और R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20 है तो ये 20 रख देते हैं, चलो ठीक है 20 रख दिया हमने, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई फाइनली, इसको चाहो तो कट कर सकते हो आप, माइनस का 7/100 आ गई, ठीक है तो दिस इज माइनस 7/100, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस 7/100, तो ये 1 अपॉन F की वैल्यू आ गई है ना। अब हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1 अपॉन F1 + 1 अपॉन F2 + 1 अपॉन F3 वाला, ठीक है तो 1 अपॉन F इक्विवेलेंट या F इफेक्टिव, 1 अपॉन F1 क्या है 1 अपॉन F0 है, फिर 1 अपॉन F आ जाएगा, फिर 1 अपॉन F0 आ जाएगा, तो F0 दो बार आ रहा है यहाँ पर, ठीक है तो रख देते, चलो इन दोनों को एक साथ रख देता हूँ मैं, तो 1 अपॉन F0 की वैल्यू कितनी 1/40 है इस वाली की वैल्यू, फिर मैं ये वाली वैल्यू पहले रख देता हूँ 1/40, फिर नेक्स्ट क्या है -7/100, ठीक है -7/100, तो ये वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर, अब इसको हम देखते हैं यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, देखो ये आ जाएगा 1/20 हो जाएगा ये, क्योंकि 1/40 + 1/40 = 1/20 हो जाएगा, तो 1/20 - 7/100, अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 100 एलसीएम आ गया, और 20 और ये 5 आ जाएगा, 5 - 107 है ना, तो ये माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2/100 कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1/50 आ गया, देखो तो 1 अपॉन F इक्विवेलेंट आया है, तो F इक्विवेलेंट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, बराबर कितना आ गया माइनस का 50 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे सेंटीमीटर में थे, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा, ठीक है ना, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन देखो 1 अपॉन F1 + 1 अपॉन F2 वाले ना कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन देखो कितनी बार आए हैं, देखो आपके सामने आप नजर आ रहा है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट बेसिस पर, तो ये चीज जरूर आप अच्छे से कवर करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 330। ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, द लेंसेज मस्ट बी ए डिस्टेंस, एक खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, अभिदृश्यक से 200 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंब को देखने के लिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। जनरली जो हम टेलीस्कोप यूज करते हैं उनसे जो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस काफी लार्ज होती है, लेकिन यहाँ पर तो केवल हमने 200 सेंटीमीटर पर रख दिया, बात समझ रहे हो, देखो क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया देखो, और ये अंदर से क्वेश्चन फ्रेम हो गया, खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ये, तो जैसे टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव होता है एक आईपीस होता है, ये आप जानते हो, जनरली हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, इन्फिनिटी रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है वो यहाँ के इसके फोकस पे बनती है, इसका फोकल लेंथ एफ नॉट है, इसका फोकल लेंथ है एफ, तो फोकस पे बनती है, फोकस पे बनने के बाद ये जो आईपीस है आईपीस की यहाँ से डिस्टेंस कितनी रखते हैं हमने एफ, जो यूई होता है ना वो एफ के इक्वल रखते हैं ताकि हमें फाइनल इमेज कहाँ पे दिखे, इन्फिनिटी पे दिखे, रिलैक्स्ड आई वाला केस लेते हैं अपन, तो उस केस में जो लेंथ होती है टेलीस्कोप की वो एफ नॉट प्लस एफ ई हो जाती है, ये एफ नॉट हो जाती है और ये एफ ई हो जाती है, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज एफ नॉट प्लस एफ ई, ठीक है, और मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाती है एफ नॉट अपॉन में एफ ई, तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं ये फॉर्मूला देखते हैं कि चलो लेंथ एफ नॉट प्लस एफ ई है तो एफ नॉट तो हमें दे रखा है 40 है और एफ ई कितना दे रखा है एफ ई है 4, तो 40 + 4 कितना हो गया 44 हो गया, राइट 44, लेकिन 44 इसमें ऑप्शन में दे नहीं रखा है, वो अच्छी बात है, अगर दिया होता तो डेफिनेटली स्टूडेंट जो है उसको लगाने की कोशिश करते, ये चलो नीट ने सहूलियत दी है कि सामने वाला जो जल्दबाजी में गलती ना कर दे, ठीक है अगर दिया होता तो बहुत से स्टूडेंट इसमें गड़बड़ कर सकते हैं, तो यहां पर 200 सेंटीमीटर पे दे रखा है बेटा, मेन चीज ये, तो इसका मतलब इमेज डेफिनेटली फोकल
फोकस पे नहीं बनेगी। तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं यहां पे है एंड दिस डिस्टेंस इज 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो इमेज बनेगी ना वो इमेज यहां बनेगी, लेकिन ये एफ नॉट डिस्टेंस नहीं होगी, ये डिस्टेंस मैंने सपोज लेट कर ली वी नॉट है और मुझे वी नॉट फाइंड आउट करना है। और वी नॉट अगर मुझे मेरे पास आ गया तो वी नॉट में मैं एफ ई को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, यही तो पूछा इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो वी नॉट कैलकुलेट करते हैं। वी नॉट कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस लेंस के लिए फॉर्मूला लगाना है, बस और कुछ नहीं करना। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। अब देखो 1/v, वी हमें फाइंड आउट करना है, इमेज की डिस्टेंस है जो कि वी नॉट है, -1/u, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, और ये 200 सेंटीमीटर, लेकिन विद साइन यूज करना है आपको। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस तरफ होगी और आप डिस्टेंस जो भी मेजर करोगे वो लेंस से जाओगे बेटा मेजर करने के लिए, किधर जाओगे, इस तरफ जाओगे, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हो आप। अपोजिट जाने का मतलब वैल्यू क्या रखोगे, माइनस का 200, है ना। तो माइनस का 200 सेंटीमीटर में 1/f, लेंस कॉन्वेक्स है और एफ नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 40 दे रखी है, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू 40 रख दोगे आप। तो यहाँ से देखो 1/v0 ये प्लस हो जाएगा, लेकिन इधर जाएगा तो वापस माइनस हो जाएगा, तो 1/40 - 1/200, इसमें एलसीएम लोगे तो बेटा 200 का एलसीएम आएगा, 40 और ये आ जाएगा 5, माइनस ये 1 आ जाएगा, 5 - 1 कितना आया 4, 4 से डिवाइड करोगे तो 1/v0 की वैल्यू कितनी आई, 4 से डिवाइड करोगे तो 1/50 ना, तो v0 की वैल्यू 50 आ गई। देखो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ना ये 50 सेंटीमीटर है, और जो एफ ई है वो एफ ई फोकल लेंथ है इस आईपीस की, फोकल लेंथ आईपीस की कितनी है 4 सेंटीमीटर, दैट मींस दिस लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ बिटवीन दीज टू लेंसेज इज 50 + 4 = 54 सेंटीमीटर, है ना। और 54 सेंटीमीटर हमको दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3rd, है ना। कितना मजेदार क्वेश्चन था, देखो। तो डायरेक्ट अगर यहाँ पे ऑप्शन होता 44 तो गड़बड़ कर सकते थे, ठीक है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन आ गया देखो, है ना। तो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप जो है उस पार्ट को प्लीज आप छोड़े नहीं, और केवल फॉर्मूला पे ही फोकस ना करें, फॉर्मूला तो याद होने ही चाहिए आपको, बाकी उसके जो भी अंदर जो भी प्रोसेस हुई है उस प्रोसेस को आपको आना चाहिए, है ना। तो जो भी ज्योमेट्रिकल जो भी उसकी जो पीछे की जो रे ऑप्टिक्स है उस रे ऑप्टिक्स को आपको जरूर आपको समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 331, मैच द कॉरस्पॉन्डिंग एंटिटीज ऑफ कॉलम फर्स्ट विद कॉलम टू वेयर एम इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। यहां पर ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है। तो यहां पर मैग्निफिकेशन दे रखा है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है ना उसका मैग्निफिकेशन आपको गिवन है, ठीक है, आवर्धन दे रखा है मतलब। और कॉलम टू जो है उसमें मिरर्स दे रखे हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो वो किस किस मिरर के लिए होगा और किस किस मिरर के लिए किस किस टाइप की इमेज बनेगी वो हमें मैच करवानी है। तो देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एम बराबर माइनस टू की। एम बराबर माइनस टू मतलब मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, इमेज इन्वर्टेड है, राइट। और एम की जो वैल्यू है जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, मतलब इमेज जो है वो लार्ज है, लार्ज है और इन्वर्टेड है, लार्ज है और इन्वर्टेड है। अब आप थोड़ा सोचो कि आपने जो कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो पढ़े थे उनमें इमेज जो थी वो लार्ज किस में बनती थी, सोचो, लार्ज बनती थी केवल कॉनकेव मिरर में, है ना। और रियल, लार्ज और इन्वर्टेड कब बनती है कॉनकेव मिरर के अंदर, जब इमेज रियल होती है। कॉनकेव मिरर में ये फोकस है इसका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो कि जस्ट 2f पे होता है, c और f के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं ना अपन, तो इमेज c और इंफिनिटी के बीच में बनती है, लार्ज होती है, इन्वर्टेड होती है और रियल बनती है, है ना। तो फर्स्ट जो है m बराबर माइनस टू के लिए क्या आएगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, सॉरी कॉनकेव मिरर होगा, ये नहीं होगा, कॉनकेव मिरर होगा। और इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड होगी, लार्ज होगी, कब, जब सी और एफ के बीच में रखा, सी और एफ का नहीं दे रखा लेकिन एम की तो वैल्यू दे रखी है ना। इसका मतलब इसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सेट होगा, फर्स्ट के लिए अगर हम बात करें तो ए के लिए बी एंड सी, बी एंड सी देखो, ए के लिए बी एंड सी यहाँ पे आ रहा है, देखो केवल यहाँ पे आ रहा है, देखो और किसी में आ भी नहीं रहा, तो कितना आसान हो गया। देखो एक ही चेक करना था और खट से आंसर आ गया, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि औरों में सब में देखो तो ए एंड सी, ए एंड डी, सी एंड डी एंड बी एंड सी, बी एंड सी एक में ही है। चलो अपन मैच करते हैं। सेकंड देखो क्या दे रहा है, एम बराबर माइनस वन बाई टू,
माइनस वन बाई टू मतलब इमेज अगेन इन्वर्टेड, ठीक है, लेकिन वन बाई टू का मतलब है इमेज छोटी है, स्मॉल साइज्ड है, स्मॉल साइज्ड तो कॉन्वेक्स मिरर में भी बनती है इमेज, कॉन्वेक्स मिरर में छोटी इमेज बनती है ना, लेकिन इरेक्ट होती है वो, याद करो इरेक्ट होती है ना, इरेक्ट होती है तो इसका मतलब m की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए थी, यहां पर m क्या है, नेगेटिव है, समझ गए बात को, तो m की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, 1 से छोटा है वो, इसका मतलब इमेज स्मॉल साइज्ड है, इमेज स्मॉल साइज्ड, लेकिन m की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज इन्वर्टेड है, आप ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आप बता दोगे कि कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट अगर सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे रखा है तो जो उसकी इमेज बनती है वो सी और एफ के बीच में बनती है, इन्वर्टेड होती है, स्मॉल साइज्ड होती है, इसका मतलब एम की वैल्यू एक से कम होगी वैल्यू और नेगेटिव भी होगी, इसका मतलब बी का जो है बेटा वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, कॉनकेव मिरर और रियल इमेज, इसके लिए भी क्या हो जाएगा बी एंड सी, देखो आ गया इतना सिंपल। नेक्स्ट देखो एम बराबर प्लस टू, प्लस का मतलब इमेज इरेक्ट सीधी, और m की वैल्यू 2 है इसका मतलब इमेज का साइज बड़ा है ना, इरेक्ट है मतलब सीधी है, और m की वैल्यू ज्यादा है मतलब 1 से ज्यादा है मतलब इमेज जो है बड़ी बन रही है, लार्ज साइज की बन रही है, ठीक है। और क्या कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा होता है, नहीं, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज सीधी बनती है लेकिन स्मॉल साइज होती है, स्मॉल साइज का मतलब m की वैल्यू 1 से लेस, सीधी बन रही है मतलब m की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये वाला केस, ये वाले केस में कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर है ना, लेकिन इस वाले केस में पक्का कॉनकेव मिरर होगा, और कॉनकेव मिरर में ये वाला केस कब होता है, जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस और पोल के बीच में जब रखते हो बेटा तो इमेज उस केस में वर्चुअल बनती है ना, लार्ज साइज की होती है, इरेक्ट होती है, मतलब एम की वैल्यू पॉजिटिव, एम की वैल्यू 1 से ग्रेटर है ना, तो वो मैच कर रहा है देखो, तो इसका मतलब सी में मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर, लेकिन इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, पीछे बन रही है इमेज वर्चुअल, तो बी एंड डी हो जाएगा इसका, देखो सी का, और लास्ट में फिर कौन बचेगा बेटा 1/2, तो फिर वो 1/2 मतलब 1 से लेस होता है, 1 से लेस किस में बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में बनता है, और वैल्यू पॉजिटिव मतलब इरेक्ट इमेज है, और इमेज कैसी है, वर्चुअल, तो इमेज वर्चुअल बनेगी और कॉन्वेक्स मिरर होगा, तो लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, ए एंड डी, करेक्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो फर्स्ट ऑप्शन से फर्स्ट मैचिंग से ही अपने पास आंसर आ रहा था, देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे ऑफ लाइट एट ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दे रखा है, मतलब आपतन कोण का मान दे रखा है आपको प्रिज्म पर 45 डिग्री, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, मतलब प्रिज्म का जो कोण है, प्रिज्म कोण वो 60 डिग्री है, ए की वैल्यू 60 डिग्री है। If the ray suffers minimum deviation, okay, delta minimum, right? मतलब न्यूनतम विचलन कोण है through the prism, the angle of minimum deviation, मतलब delta minimum की value and the refractive index of the material of the prism respectively are, मतलब हमें delta minimum की value पूछी है भाई, है ना? तो इसमें देखो, एक तो हमें angle of incidence I की value दे रखी है, I की value कितनी है बेटा, I की value है 45 degree, एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो आपको 60 डिग्री दे रखा है ना, मिनिमम डेविएशन क्या है वो बताना है सबसे पहले हमें, डेल्टा मिनिमम, तो बेटा आपको ध्यान होना चाहिए डेल्टा मिनिमम कितना होता है, डेल्टा कितना होता है, I plus E minus A, I एंगल ऑफ इंसिडेंस, E एंगल ऑफ एमरजेंस, A एंगल ऑफ प्रिज्म, लेकिन जब डेल्टा मिनिमम की जब बात आती है तो आई और ई दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो आई और ई इक्वल हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2i आ जाएगा, तो 2i माइनस ए, अब आई की वैल्यू आपको 45 दे रखी है यहाँ पर, तो डेल्टा मिनिमम देखो कितना आएगा, 45 इंटू 2, आई की वैल्यू 45 है ना यहाँ पर, 45 इंटू 90 माइनस ए 60, कितनी वैल्यू आई, 30 डिग्री, तो मतलब मिनिमम डेविएशन वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है। अब हमसे पूछा है बताइए म्यू की वैल्यू कितनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी, बड़ा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन, कैसे, म्यू इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला अभी भी मैंने बताया था आपको, ये तो याद रखना ही रखना है बेटा, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, करेक्ट। अब ये वैल्यू जो हमारे पास आई है इन वैल्यूज को रख दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखो वैल्यू रखें अपन, तो सबसे पहले इसको मैं यहां से हटा देता हूं, डेल्टा मिनिमम हमारे पास 30 डिग्री आ चुका है, यहां पे लिख देता हूं मैं, चलिए वैल्यू रखते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम 30 डिग्री,
ए कितना है 60, देखो 30 प्लस 60 वहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा 90, और 90 में 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 45 ना, तो ये वाला 45 आ गया। डिवाइड में देखो कौन है, साइन ए बाई टू, ए कितना है 60, और 60 में 2 से डिवाइड करोगे, 60 में 2 को डिवाइड करोगे तो 30, इसका मतलब नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा साइन 30। अब बेटा साइन 45 आप जानते हो जैसे 1/√2 होता है, और साइन 30 कितना होता है 1/2 ऊपर चला गया, तो ये 2 ऊपर और रूट 2 नीचे, तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, तो कितना वैल्यू आएगी, केवल रूट 2 बचेगा ना यहाँ पर। हाँ जी, तो इसका मतलब डेल्टा मिनिमम तो 30 डिग्री है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मटेरियल का वो कितना आया रूट 2 आया, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी हमारे पास फर्स्ट, है ना, कितना आसान है, देखो कितना आसान। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, और देखो केवल है ना इस, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, डेल्टा मिनिमम तो निकालना ही पड़ेगा, डेल्टा मिनिमम तो आपके पास 30 डिग्री आ गया। अब 30 वाले दो ऑप्शन है, एक तो ये और एक ये, और हमें ये भी मालूम है कि जो मटेरियल होता है उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से तो ग्रेटर होगा यार, क्योंकि वैक्यूम के लिए 1 होता है, तो मीडियम के लिए 1 से तो ग्रेटर ही होगा ना। अब ये 1/√2 है, तो 1/√2 1.414 होता है, तो 1/√2 डेफिनेटली 1 से लेस होता है, तो 1 से लेस तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये वैसे ही जो है वो इनकरेक्ट हो गया, तो डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो इस टाइप की अप्रोच आप रखा करें क्वेश्चंस के अंदर, ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू आइडेंटिकल ग्लास म्यू जी आपको दे रखा है, इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स क्या होता है, समुत्तल आप कह सकते, दोनों साइड में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना वो सेम होता है, ये आर है तो ये भी आर होगा, और म्यू जी आपको इसका दे रखा है, मतलब इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है। फोकल लेंथ एफ ईच, अच्छा दो हैं, दो लेंस हैं आपके पास, तो इन दोनों का आर सेम है और म्यू जी भी सेम है, और दोनों की फोकल लेंथ भी क्या है एफ है। द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विद वॉटर, वॉटर से भर दिया आपने इन दोनों के बीच का स्पेस, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, देखो अगेन उस टाइप का क्वेश्चन आया, तो मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ चुके एग्जाम में, तो प्लीज इसको इग्नोर ना करें, है ना। तो अब मैं फटाफट इस क्वेश्चन को करता हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अपन बार बार देख चुके हैं, इस टाइप का ये क्वेश्चन है, इसकी फोकल लेंथ एफ है, इसकी फोकल लेंथ भी एफ है, और यहां पर जो मीडियम फिल किया हमने, ठीक है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपको म्यू डब्ल्यू दे रखा है, ठीक है, और म्यू डब्ल्यू वैल्यू 4/3, और इस इन दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, इस वाले का भी आर, इस वाले का भी आर, इस वाले का भी आर, है ना। तो सबसे पहले काम करते हैं अपन, क्योंकि इन दोनों की फोकल लेंथ हमें दे रखी है, तो हमें तो केवल ये बीच वाला जो लेंस बन रहा है ना, कॉनकेव लेंस टाइप का जो बन रहा है, इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। अब इसकी फोकल लेंथ कैसे निकालोगे आप, जब आपको आर पता होगा, बताओ आर दे रखा है क्या, नहीं, तो आर कैसे रखेंगे अपन, आर को कैलकुलेट करने के लिए आपको इस लेंस की फोकल लेंथ की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इस लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखता हूं, ध्यान रखना इस लेंस के लिए, राइट, या ये वाला लेंस ले लो या ये वाला लेंस ले लो, तो 1/f इज इक्वल टू मेटीरियल का कितना है 3/2, तो मैं लगा रहा हूं यहां वैल्यू 3/2 बाय 1 माइनस 1, 1/r1, r1 इसका प्लस इस तरफ है, माइनस 1/r2 इस सरफेस का, देखो सेंटर उधर है ना, तो इंसिडेंट रे इधर है, तो आप r इस तरफ मेजर करोगे ना, सेंटर की तरफ जाओगे तो r नेगेटिव का हो जाएगा, इंसिडेंट रे का अपोजिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो 1/f इज इक्वल टू ये 3/2 माइनस 1 1/2 आ गया, और ये कितना आ गया 1+1 2 2/r, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ 1/r, इसका मतलब r की जो वैल्यू 1/f = 1/r, मतलब f बराबर r आ गया, मतलब r की जो वैल्यू मैं f के बराबर रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें समझ में आ गई चीज, इसको रब कर दूं मैं। अब इस लेंस की बात करते हैं, ठीक है, अब इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितना गिवन है 4/3 गिवन है। अब इस लेंस के लिए मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ, देखो लगा दूं, तो इस लेंस का फोकल लेंथ जो है वो मैं f डैश अज्यूम कर लेता हूं, तो 1/f इज इक्वल टू इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 है, 4/3 है ना, 4/3 मीडियम का, और सराउंडिंग क्या है एयर, एयर कंसीडर करना सराउंडिंग, तो 4/3 / 1 - 1 1/r1। अब r1 की बात करें तो इस तरफ जाएंगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट है ना, तो माइनस हो जाएगा -1/r2, तो r2 इस तरफ जाएंगे तो इंसिडेंट रे के अलोंग है, ये देखो ये सरफेस इंसिडेंट रे के अलोंग, तो वो प्लस का रहेगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए दोनों माइनस माइनस हैं, तो यहाँ पे देखो 4/3 - 1 जो है वो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखा जाए तो माइनस का 2/r आ गया 1/f'। अब ये वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2/3, और r की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली कितनी हमने फाइंड आउट की थी, f के बराबर फाइंड आउट की थी अभी अभी हमने की थी ना,
तो ये देखो ये f आ गया, तो 1 अपॉन f डैश जो माइनस का 2 बाई 3 f के इक्वल है। अब हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि यहां पर दो लेंस है जिनकी फोकल लेंथ f और f है और तीसरे लेंस की फोकल लेंथ मैंने f डैश अज्यूम की है, तो तीनों लेंस को आपने अगर कंबाइन किया तो इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या आएगी, 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन f डैश प्लस 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन f इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब मैं ये वैल्यू यहां पे फार्मूला लगा देता हूं, तो देखो 1 अपॉन f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन f डैश प्लस 1 अपॉन f, 1 अपॉन f और 1 अपॉन f 2 बाय f हो जाएगा, और ये 1 अपॉन f डैश की वैल्यू जो हमने यहां पे कैलकुलेट की है माइनस का 2 बाय 3 f है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो, 3f LCM आ गया, ठीक है 3f LCM आ गया, f3 3 into 2 6 और ये माइनस का 2 तो 6 माइनस 2 मतलब 4 बाई 3 एफ आ गया, तो 1 अपॉन एफ इफेक्टिव की वैल्यू जो है वो 4 बाई 3 एफ आई, तो एफ इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3f बाई 4, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3f बाई 4 थर्ड ऑप्शन है ना, काफी इजी क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भैया बार बार आ रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, एन एयर बबल इन ए ग्लास स्लैब विद रिफ्रैक्ट इंडेक्स 1.5 नियर नॉर्मल इंसिडेंस इज 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम वन सरफेस एंड 3 सेंटीमीटर डीप when viewed from other opposite space. The thickness in centimeter of the glass slab is, कांच की पट्टिका है जिसका अपवर्तनांक आपको 1.5 दे रखा है, भीतर एक वायु का बुलबुला बंद है, पट्टिका के एक पृष्ठ से लगभग लंबवत देखने पर इस बुलबुले की गहराई 5 सेंटीमीटर तथा विपरीत पृष्ठ से देखने पर 3 सेंटीमीटर प्रतीत होती है, इस पट्टिका की मोटाई सेंटीमीटर में क्या होगी। बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए जैसे ये स्लैब है एक, ठीक है, और इस स्लैब के अंदर एक बबल है, बुलबुला है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ना, और इस बुलबुले की इस सरफेस से जो डिस्टेंस वो एक्स है और इस सरफेस डिस्टेंस कितनी वाई है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए स्लैब की जो विड्थ है वो कितनी है, एक्स प्लस वाई होगी ना, तो हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर आप इस सरफेस से एक साइड से जब देखते हो तो आपको ये जो बबल है ना वो कितने डिस्टेंस पे दिखता है, वो दिखता है भाई 5 सेंटीमीटर पर। तो ये आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को, कोई मान लीजिए लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ नीचे, उसको जब आप नॉर्मली ऊपर से देखते हो तो आपको कितनी डेप्थ पे दिखाई देता है, वो h बाई म्यू एपरेंट डेप्थ, याद है ना, तो यहाँ पे एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। तो यहाँ से आई से जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो जो बबल है वो आपको कितने पे दिखेगा, x बाई म्यू पे, क्योंकि इस सर्फेस से देख रहे हो, इस सर्फेस की डिस्टेंस x है, देखो x बाई म्यू पे दिखेगा, इसका मतलब x बाई जो म्यू है ना वो हमारे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर, 5 सेंटीमीटर। अब अगर आई यहां पे हो और अब आप अगर बबल को देखो इस तरफ तो अब डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस वाई है, लेकिन अब आपको ये बबल कितने डिस्टेंस पे दिखेगा, वाई बाय म्यू पे है ना, वाई बाय म्यू पे, ठीक है, तो वाई बाय म्यू मतलब वाई बाय म्यू जो है वो आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। देखो इसका मतलब एक्स बराबर कितना आ गया 5 म्यू, वाई बराबर कितना आ गया 3 म्यू, तो एक्स प्लस वाई कितना आया फिर 5 म्यू प्लस 3 म्यू, 8 म्यू आया कि नहीं आया, आया ना, x plus y जो है वो एक्चुअल में विड्थ है इस स्लैब की या थिकनेस है, तो 8 म्यू के बराबर आ गया, और 8 इंटू म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर ये वाटर है शायद, है ना, नहीं वाटर नहीं है, 1.5 ग्लास है सॉरी, तो 1.5 है 3 बाई 2 करोगे तो 2 से इसको कट करो तो ये 4 आ गया, एंड 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकेंड, है ना, कितना प्यारा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ए पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन दे लाई बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आईज, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू इंफिनिटी द टाइप एंड द पावर ऑफ द करेक्टिंग लेंस द पर्सन हैज टू यूज विल बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपनी आंख से केवल 50 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर की दूरी के बीच स्थान को देख सकता है, मतलब इसका जो नियर पॉइंट है ना वो 50 सेंटीमीटर और जो फार पॉइंट है वो कितना है 400 सेंटीमीटर है, और एक नॉर्मल पर्सन की अगर हम बात करें तो फार पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है और नियर पॉइंट कहाँ पे होता है 25 सेंटीमीटर पे, है ना, तो इसकी आई में डिफेक्ट है, तो बीच स्थान को बीच स्थित वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी को अनंत तक करने के लिए उस व्यक्ति को किस प्रकार के और कितनी शक्ति के संशोधक लेंस की आवश्यकता होगी। तो हमको करेक्ट कौन सा करना है, 400 को करना है, कौन से को 400 को, कि वो 400 तक की डिस्टेंस को देख सकता है अच्छे से, लेकिन अब उसको इनफिनिटी तक करना है, तो ये एक्चुअली में कौन सा केस हो गया, 400 वाला जो है फार पॉइंट को इनफिनिटी पे शिफ्ट करना है, इसका मतलब हमें इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस, है ना,
ये नियर साइटेडनेस वाला केस हो गया। तो 400 को कहाँ पे शिफ्ट करना, इन्फिनिटी पे, तो हमें कॉनकेव लेंस को यूज करना पड़ेगा, है ना। ये आई है हमारी और इन्फिनिटी से कोई भी रेज आ रही है ना आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कहां पे अपन को इमेज को फील करवाएगी, 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर मतलब 4 मीटर, 4 मीटर पे ये इमेज को फील करवाएगी। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे। तो ये जो लेंस है, इस लेंस से जो इमेज बनेगी वो 4 मीटर पे बनेगी, और वो जो इमेज बनेगी वो हमारे आई लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। देखो हो गया ना सेट। तो ये नियर साइटेडनेस वाला केस हुआ, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएं, लेंस की फोकल लेंथ हम एफ अज्यूम कर लेते हैं। तो लेंस के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो 1/v - 1/u = 1/f। तो देखो 1/v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, इंसिडेंट रे के अपोजिट इमेज यहां बननी चाहिए ना, कितने पे, 4 मीटर पे, मीटर में रख दो माइनस का 4 माइनस 1/u, ऑब्जेक्ट कहां पे, इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी 1/f। तो यहां से देखो हमसे पावर पूछी है, तो पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, ये वाली क्वांटिटी तो जीरो हो जाएगी। तो 1/f = -1/4, जिसका मतलब 1/f जो है वो तो पावर ही होती है ना, जिसका मतलब पावर कितना आ गया, माइनस का 1/4 आ गया, और माइनस का 1/4 का मतलब क्या हुआ, -0.25 डायोप्टर, क्लियर, -0.25 डायोप्टर। माइनस साइन इज इंडिकेटिंग दैट लेंस इज कॉनकेव, तो यहां पर कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस आपको यूज करना पड़ेगा, और 0.5 डायोप्टर का लेंस आपको यूज करना पड़ेगा, ताकि आप 400 मीटर को सेंटीमीटर को इन्फिनिटी पे कन्वर्ट कर पाओ, ठीक है, इस डिफेक्ट को दूर कर पाओ बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 336, द रेशियो ऑफ ए रिजोल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर टू वेवलेंथ्स λ1 and λ2 इज, देखो आपको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जो है वो रिजोल्विंग पावर का रेशियो पूछा है दो अलग अलग वेवलेंथ के लिए। बेटा ये चीज जरूर आप ध्यान रखें, रिजोल्विंग पावर जो होती है ना, रिजोल्विंग पावर वो अपर्चर डायमीटर जो होता है उसके प्रोपोर्शनल होती है, और जो लैम्डा जो होता है वेवलेंथ उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रिजोल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये हमेशा ध्यान रखें आप, ये फॉर्मूला कई बार यूज होता है, एनसीईआरटी के अंदर प्रॉपरली मेंशन है, प्लीज ये ध्यान रखें बेटा। तो रिजोल्विंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ, और ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आर जो पी है पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए, इनका जो रेशियो होगा वो λ2/λ1 हो जाएगा। λ2 कितना है, λ2 है 6000 और λ1 कितना है 4000। इसको कट करेंगे अगर आप, ये 0 0 हट गया तो उसे कट कर दो, ये 3 3/2, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड, है ना। कितना प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 337, ए थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव एंगल 10 डिग्री इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42, मतलब म्यू आपको दे रखा है, रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है वो काफी स्मॉल है, वैसे तो 10 डिग्री ज्यादा स्मॉल तो नहीं, लेकिन काम चला सकते हैं अपन। दिस प्रिज्म इज कंबाइंड विद अनदर थिन प्रिज्म ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, एक दूसरा प्रिज्म लिया उसके साथ आपने ऐड किया है। दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द सेकंड प्रिज्म शुड बी, मतलब 1.42 अपवर्तनांक के कांच से बने एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण 10 डिग्री है, इस प्रिज्म को 1.7 अपवर्तनांक के कांच से बने एक अन्य पतले प्रिज्म से जोड़ दिया जाता है, इस संयोजन से विचलन रहित प्रक्षेपण प्राप्त होता है, तो दूसरे प्रिज्म का अपवर्तन कोण क्या होना चाहिए। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, देखो बेटा एक चीज है इसमें जो कि मेन है, देखो दो प्रिज्म को इस तरीके से आपने अरेंज कर दिया, इस प्रिज्म का प्रिज्म एंगल है A1, इस प्रिज्म का प्रिज्म एंगल है A2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीन कलर येलो कलर के लिए म्यू Y1 है, इसका है म्यू Y2, है ना। इसमें दो टाइप के केस हैं, एक तो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन और एक है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन का मतलब ये हुआ कि जो लाइट रे यहां से इंसिडेंट होगी ना और जो यहां से फाइनल जो लाइट रे इमर्ज होगी, इन दोनों का जो डेविएशन है मीन डेविएशन जो है वो जीरो होना चाहिए। मीन डेविएशन कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे अगर मैं इस प्रिज्म के लिए बात करूं तो इस प्रिज्म के लिए डेविएशन कितना होना चाहिए, थिन प्रिज्म है, अगर थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है, μ - 1 × a, ठीक है, μ - 1 × a।
तो येलो के लिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो म्यू वाई वन माइनस वन इंटू ए वन, ये इसका डेविएशन आया। और ये इस तरफ बैंड करने का कोशिश करेगा ये प्रिज्म इस तरफ, और ये जो प्रिज्म है ये इसका जस्ट उल्टा अपोजिट डायरेक्शन बैंड करने की कोशिश करेगा। तो इसका जो डेविएशन है वो कितना आएगा, म्यू वाई टू माइनस वन, क्योंकि इसका मेटेरियल अलग है, म्यू वाई टू माइनस वन इंटू ए टू, इसका प्रिज्म एंगल भी अलग है। और जो टोटल जो डेविएशन, क्योंकि ये वाला जो प्रिज्म है ये इस तरफ बैंड कर रहा है और आगे वाला प्रिज्म जो इस तरफ अपोजिट बैंड कर रहा है, तो टोटल डेविएशन जो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये इधर बैंड करेगा ये इस तरफ बैंड करेगा। अगर एक ही तरफ होते ना ये प्रिज्म दोनों ऐसे रखे होते, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे रखा होता, तो एक ही डायरेक्शन बैंड करते तो दोनों ऐड हो जाते। तो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस आ गया, ये टोटल डेविएशन आ गया बेटा, कौन से कलर के लिए, मीन कलर के लिए। तो अगर डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन की बात आ रही है, विदाउट डेविएशन की, तो टोटल डेविएशन जीरो होना चाहिए, मतलब ये वाले लाइट रे और ये वाले लाइट रे पैरेलल जानी चाहिए। तो टोटल डेविएशन मीन कलर के लिए कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, है ना। हमसे पूछा है कि दूसरे प्रिज्म का अपवर्तक कोण क्या, ए टू पूछा है। अब यहां पर देखो जरा, पहले प्रिज्म का एंगल कितना, 10 डिग्री है ना, तो ए वन 10 डिग्री रख दो, म्यू वाई वन ये जो दे रखा है ना ये म्यू, ये एक्चुअल में देखा जाए तो मीन कलर के लिए है, येलो कलर के लिए, तो 1.42 है ये म्यू वाई वन, 1.42 माइनस वन, ए की वैल्यू कितनी है 10 डिग्री है, माइनस फिर म्यू वाई टू कितना दे रखा है आपको देखो 1.7 रख देंगे ये, माइनस वन, और ए टू इज इक्वल टू जीरो, और इधर जीरो ये नेगेटिव है तो ये इस तरफ ले जाओ, है ना, इस तरफ ले जाओ, ये 1.42 माइनस वन कितना आएगा, 1.42 माइनस वन आ जाएगा 0.42, और इंटू में 10 है, और इधर देखो 1.7 माइनस वन कितना आएगा 0.7 बराबर ए टू आ जाएगा, ठीक है। अब 0.7 चाहो तो ये हटा दो, 100 हो गया, ये इधर आ गया 100 आ गया, 100 से 100 कट गया, और ये 6, तो ए टू कितना आ गया 6 डिग्री आ गया। देखो लेकिन ये प्रॉपरली देखा जाए तो प्रॉपर तरीका नहीं है, क्योंकि एंगल 10 डिग्री जो है वो ज़्यादा स्मॉल नहीं है, छोटा नहीं है, ठीक है, लेकिन चलो लगा सकते हैं, और कोई इसमें कोई चारा नहीं है। थिक प्रिज्म की बात करें तो उसके लिए कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेम हो गया था यहाँ पर, इसका कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए सोर्स एल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर फिक्स्ड एट सर्टेन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सोर्स, द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज ए स्पॉट ऑन ए स्केल प्लेस्ड जस्ट अबव द सोर्स एल। When the mirror is rotated through a small angle theta, the spot of the light is found through a distance y on the scale. The angle given by. बहुत ही प्यारा सा और NCERT में ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा, है ना? तो अब ये क्वेश्चन क्या है? प्रकाश स्रोत L से प्रकाश का एक किरण पुंज, उससे x दूरी पर स्थित एक समतल दर्पण पर लंबवत पड़ता है। इस किरण पुंज के वापस परावर्तन से स्रोत L के ठीक ऊपर स्थित एक पैमाने पर प्रकाश का एक बिंदु बनता है। दर्पण को किसी अल्प कोण थीटा से घुमाने पर यह प्रकाश बिंदु उस पैमाने पर y दूरी से विचलित हो जाता है, तो थीटा का मान क्या होगा? तो देखो ये मिरर है आपके सामने, ठीक है, प्लेन मिरर, और यहां पर एक सोर्स है, इस सोर्स से लाइट रे आ रही है सीधी स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट लाइट रे आएगी तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा, तो लाइट रे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहां पर ही एक स्क्रीन रखी हुई है, स्क्रीन एक पर्दा रखा हुआ है, तो लाइट अगर यहां से आएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस यहीं जाएगी, तो जो स्पॉट बनेगा, जो रोशनी का जो धब्बा बनेगा वो यहीं बनेगा ना, जाके वापस आएगी तो वापस स्क्रीन पे यहीं बनेगा लाइट का। अब इसमें क्या किया गया है कि जो मिरर है ना, उस मिरर को वेरी स्मॉल एंगल, बहुत ही छोटे एंगल से आपने इसको घुमा दिया, बहुत ही छोटे एंगल से आपने इसको घुमा दिया, और कितना एंगल घुमाया है यहां पर, यहां पर आपने इसको रोटेट किया है थीटा एंगल से, राइट, अल्प कोण थीटा से आपने एकदम थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दिया। और हमें अच्छे से मालूम है कि जब प्लेन मिरर को जब आप रोटेट करते हो, इंसिडेंट रे को जब आपने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया है, प्लेन मिरर को जब आप रोटेट करते हो, तो रिफ्लेक्टेड रे है वो जस्ट डबल एंगल से रोटेट हो जाती है ना, डबल एंगल से। इसका मतलब जो लाइट रे है इस केस में अब किधर जाएगी बताओ, जस्ट डबल एंगल से, पहले लाइट रे देखो यूं जा रही थी, अब जस्ट डबल एंगल से रोटेट हो जाएगी, अब लाइट रे इधर जाएगी, डबल एंगल मतलब ये वाला एंगल 2 थीटा हो गया ना, और ये डिस्टेंस आपको कितनी गिवन है, L गिवन है, और ये कह रहा है जो ब्राइट स्पॉट है, अब जो ब्राइट स्पॉट बन रहा है वो यहां पे बनेगा, देखो अब ये ब्राइट स्पॉट है वो कितना शिफ्ट हो गया, y डिस्टेंस शिफ्ट हो गया ना, ये डिस्टेंस कितनी है y, अच्छा ये x है, ये वाला डिस्टेंस x है बेटा, तो ये डिस्टेंस y है और ये x है, करेक्ट, और थीटा काफी स्मॉल है, थीटा काफी स्मॉल है बेटा, 2 थीटा काफी स्मॉल है यहां पर,
तो अगर ये काफी स्मॉल है तो ये एंगल हो गया, ये इसका आर्क हो गया, आर्क चाप, और इसकी ये रेडियस हो गई, त्रिज्या हो गई एक्स। एंगल क्या होता है? एंगल तो पूरा ये 2 थीटा, एंगल बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, सिंपल सा फॉर्मूला। आर्क क्या है यहां पर? वाई, और रेडियस क्या है? एक्स। तो 2 थीटा बराबर वाई बाय एक्स। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? वाई बाय 2x। बोलो समझ में आया? ऐसे तो ये जो स्मॉल एंगल जो आपने रोटेट किया है, इसकी वैल्यू y बाई 2x के बराबर आ गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फोर्थ ऑप्शन। काफी सिंपल ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन था, प्लेन मिरर से रिलेटेड था, तो प्लेन मिरर से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी। कोई भी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, यदि इस बिंब को दर्पण की दिशा में 20 सेंटीमीटर स्थानांतरित कर दिया जाए तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर विस्थापित हो जाएगा? नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और थोड़ा सा लेंदी सा है, हल्का सा, बट इसमें कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है उससे 40 सेंटीमीटर पर रखा है। तो जो कह रहा है वो कर देते हैं। देखो ये कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ आपको कितनी दे रखी है? एफ बराबर 15, ठीक है, और इससे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है बेटा? 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये 40 सेंटीमीटर बताइए, जो इमेज है वो इमेज कहाँ पे बनेगी अभी? ठीक है, तो इसके लिए आपको मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मिरर फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/v + 1/u = 1/f होता है, और ये भी प्रॉपर साइन के साथ आपको वैल्यू रखनी है। तो प्रॉपर साइन के साथ अगर आप वैल्यू रखोगे, देखो 1/v तो है डिस्टेंस ऑफ इमेज, पता नहीं है इमेज कहां पे बन रही है, तो v को एज इट इज रख दिया, प्लस 1/u। ऑब्जेक्ट बेटा यहां पर है 40 सेंटीमीटर पर है, इंसिडेंट रे इस तरफ आएगी, आपको डिस्टेंस इस तरफ मेजर करनी पड़ेगी मिरर से, जहां से घटना घट रही है ना, जहां से रिफ्लेक्शन हो वहां से डिस्टेंस मेजर करनी है। तो प्लस का 40 या माइनस का 40? माइनस का 40, अपोजिट है एकदम। तो 1/-40, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f। F इसकी फोकल लेंथ है, और ये कॉनकेव मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? हमेशा नेगेटिव होती है, माइनस का 15 आ गया। तो यहां से देखो 1/v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/50। अब इसमें थोड़ा एलसीएम ले लेंगे अपन, ये हमारे पास एलसीएम लें तो कितना आएगा? 120, राइट, 120 आ जाएगा। तो ये यहां पे कितना आया? 3, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। तो 3-8 कितना आएगा? माइनस का 5, माइनस का 5 अपॉन 120। इसको कट करोगे अगर आप, तो कट करने पे कितना आया? 24। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? माइनस का 24 सेंटीमीटर आ गया। इसको याद रखना है अपन को, मतलब माइनस 24 मतलब इमेज कहाँ पे बन रही है? इमेज यहाँ पे बन रही है, और कितने डिस्टेंस बन रही है? 24। मतलब माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो इमेज है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट बन रही है, मतलब इधर की तरफ इमेज बन रही है, तो इमेज रियल है यहाँ पर, राइट। तो इमेज यहाँ पर बन रही है बेटा, अभी ये मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब ये क्या कह रहा है? यदि इस बिंब को दर्पण की दिशा में 20 सेंटीमीटर स्थानांतरित कर दिया जाए, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे आ जाएगा? ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया। तो 20 सेंटीमीटर जब ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, तो अब मिरर से इसकी डिस्टेंस 40 रहेगी क्या? ना, 20 रह जाएगी, 20 रह जाएगी। इसका मतलब अब मुझे यू जो है ना, वो यू को 20 करना पड़ेगा, माइनस का 20, ये भी माइनस का 20, इस तरफ प्लस का 20 आ जाएगा, ठीक है, ये 20 हो गया। देखो अब 1/20 माइनस 1/15, अब अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर? 60 आ जाएगा, 60 एलसीएम आ गया, और ये कितना आएगा? 3, और ये कितना आएगा? 4। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/60। इसका मतलब वी की जो वैल्यू माइनस का 60 हो गया। माइनस 60 मीन्स, माइनस 60 मीन्स इमेज कहाँ पे बन रही है? इमेज बनेगी मिरर से 60 सेंटीमीटर इस तरफ, माइनस 60 मतलब इस तरफ, तो इमेज यहाँ पे बन रही है, पहले 24 पे थी अब 60 पे चलेगी। तो शिफ्टिंग कितनी हुई इमेज की बताओ? पहले 24 अब 60 हो गई, तो 60-24 कर दोगे तो कितना आएगा? 60-24 आ जाएगा 36। तो 36 सेंटीमीटर कहाँ पर? अवे फ्रॉम द मिरर। तो अवे फ्रॉम द मिरर कहाँ पे है? देखो ये थर्ड ऑप्शन। बात आई समझ में आपको? तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर थी हल्की सी, लेकिन इसमें और कुछ नहीं लगाना था, केवल मिरर फॉर्मूला ही लगाना था और शिफ्टिंग देखनी थी हमें,
है ना, कितना प्यारा क्वेश्चन था। देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 340। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म इज रूट टू। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है एंड द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 30 डिग्री। मतलब म्यू गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है, मतलब अपवर्तनांक दे रखा है आपको, प्रिज्म कोण दे रखा है। वन ऑफ द टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड ए मिरर इनवर्ड। अच्छा, एक सर्फेस को आपने रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बना दिया, मिरर बना दिया, बाय सिल्वरिंग, बाय सिल्वर कोटिंग। ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम द अदर फेस विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सिल्वर सर्फेस इफ इट्स एंगल ऑफ द इंसिडेंस ऑन द प्रिज्म इज। सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो ये क्या कह रहा है कि आपने एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म एंगल जो है वो आपको दे रखा है ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है म्यू, आप इस और एक सरफेस इसकी रिफ्लेक्टिंग है। देखो तो आप इस प्रिज्म पर कितने एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट करोगे, मतलब आई पूछा है कि जिससे लाइट रे इस प्रिज्म पर इस सरफेस में जब इंसिडेंट हो तो अपने पाथ को रिट्रेस करे। रिट्रेस कब करेगा, वापस लौट के आ जाएगा, वो वाला केस देखना है। वापस लौट के कब आएगा, जब ये लाइट रे मिरर पर 90 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हो। जब भी ऐसा स्टेटमेंट मिले ना कि प्रकाश किरण वापस अपने पाथ का अनुसरण कर रही है, लौट के वापस आ रही, रिट्रेस कर रही है अपने पाथ को, इसका मतलब समझ जाना कि वो मिरर पर लाइट रे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी। अब जब मिरर पे यहाँ पे लाइट रे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पे अपन को पता है इस सरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो R2 होता है। यहाँ पे R2 कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि नॉर्मल है ये, नॉर्मल के साथ एंगल कितना हुआ, जीरो ना। ये वाला एंगल 90, ये नॉर्मल नहीं है भैया, ये R2 नहीं है। तो लाइट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो जीरो है, R2 जीरो है, ये R1 है। और R1 प्लस R2 A के इक्वल होता है, हम जानते हैं प्रिज्म के लिए। तो R2 जब जीरो है तो R1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, A के इक्वल ना। और म्यू हमें दे रखा है, आई पूछा है, तो इस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ क्या लगाओगे, 1 × sin i, μ1 sin i बराबर μ2 sin r। तो 1 बाहर का मीडियम, 1 × sin i इज इक्वल टू μ × sin r1। अब बेटा वैल्यू रखनी है, आई की वैल्यू हमें पूछी है, म्यू की वैल्यू हमें गिवन है, √2 रख दीजिए, साइन R1, R1 एग्जैक्टली A के बराबर, और A कितना है, 30 है बेटा, साइन 30 1/2, इधर है √2 × 1/√2 1/2 कितना आएगा, 1/√2 आएगा ना, 1/√2 बचेगा, साइन आई बराबर 1/√2। और साइन आई की वैल्यू अगर 1/√2 है तो आप जानते हो आई की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री। तो इतना तो एंगल का पता होना चाहिए हमें, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री एंगल आ जाएगा। देखो है ना, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चलो 341। ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, इसको हम वेव ऑप्टिक्स वाले पार्ट के अंदर हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विल हैव लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड हाई एंगुलर रिजोल्यूशन व्हेन इट हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है बेटा, एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब मैग्निफाइंग पावर, फॉर्मूला आप जानते हो F0/FE होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जनरल अगर हम बात करें तो। एंड द हाई एंगुलर रिजोल्यूशन, ध्यान रखना इस चीज का कि जो टेलीस्कोप होता है बेटा उसके लिए रिजोल्विंग पावर जो होती है वो 1.22 लैम्डा के इक्वल होती है, ठीक है, याद रखनी है चीज। टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर, सॉरी रिजोल्विंग पावर A/ 1.22 लैम्डा के इक्वल होती है, जहां पे A अपर्चर डायमीटर होता है ऑब्जेक्टिव लेंस का। ऑब्जेक्टिव लेंस आप जानते हो टेलीस्कोप है, इसमें दो लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो अपर्चर डायमीटर है ना, ये वाला, ये A है, तो ये अपर्चर डायमीटर के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा बड़ा होता है ना ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर डायमीटर, उतना ही रिजोल्विंग पावर अच्छी होती है उसकी। लैम्डा जो लाइट उसमें इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ जितनी कम होती है, रिजोल्विंग पावर उसकी उतनी अच्छी होगी। तो ये दो चीजों पर रिलेटेड ये क्वेश्चन है, व्हेन इट हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ। अब ये पूछा है कि ये दोनों, ये किसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। देखो, लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर, अगर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब अभिदर्शक लेंस का फोकल लेंथ जितना ज्यादा होगा
और लार्ज डायमीटर जितना ज्यादा होगा तो ये दोनों ज्यादा नहीं होंगे क्या? साफ नजर आ रहा है यहां पर दोनों की वैल्यू ज्यादा होगी। स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल डायमीटर ना इनकरेक्ट हो जाएगा, लार्ज फोकल लेंथ एंड स्मॉल डायमीटर नहीं इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और स्मॉल फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट। ये जरूर ध्यान रखें बेटा, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, एनसीईआरटी में ये प्रॉपरली दे रखा है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चीज जरूर आप ध्यान रखें बेटा, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, मैग्नीफाइंग पावर का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 43। पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट विद रेनबो। रेनबो से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिनमें हमें देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। हमको रॉन्ग आंसर जो वो देखना है। करें फिर स्टार्ट। देखो, एन ऑब्जर्वर कैन सी रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन। क्या ऐसा होता है? ठीक है, नहीं बेटा, ध्यान देना। जैसे आपकी आंखें, देखो इस तरफ आंखें मैंने बाहर निकाल दी, आप इस तरफ देख रहे हो और सन इस तरफ है, सन से लाइट रेज यूं आ रही है, सन ऑलमोस्ट होराइजन पे है, सन से लाइट रेज यूं आ रही है, देखो तो आप इस तरफ देख रहे हो, सन की तरफ नहीं देख रहे हो। सन की तरफ देखोगे सन ही दिखेगा, फिर आपको सूरज ही दिखेगा, सूरज की जो लाइट की जो इंटेंसिटी है सीधी आपकी आंखों में पड़ेगी, तो आप रेनबो नहीं देख पाओगे। अब देखना है इस तरफ, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है यहां पर, ये रेनड्रॉप्स है, ठीक है, रेनड्रॉप्स हैं ये, चलो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स बना दी, तो लाइट रे इनमें रेनड्रॉप्स के अंदर जाएंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, फिर पार्शियली रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद में डिस्पर्जन भी होगा उनके साथ साथ, तो लाइट रे वापस आएंगी, वापस आएंगी ना, तो उसके कारण अपन को ऐसा फील होगा कि सामने रेनबो दिख रहा है, करेक्ट, रेनबो दिख रहा है। और अगर कोई कहे कि इस तरफ बनता है क्या, बनता तो होगा, डिस्पर्जन तो जरूर होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता डिस्पर्जन नहीं होता है। लाइट रे अगर आप इस तरफ देखो तो डिस्पर्जन जरूर होता है, लेकिन बेटा आप उसको देख ही नहीं सकते, आपको दिखेगा ही नहीं किसी हालत में, वो लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है वाली कि वो आप देख नहीं सकते उसको, करेक्ट, इस तरफ वाले पार्ट को। बात आई समझ में? तो अगर इस बंदे को देखना है तो उसके सूरज के एकदम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन देखना पड़ेगा, फ्रंट में नहीं, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया और हमें तो इनकरेक्ट ही ढूंढना था यहां पर, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला सही हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट ढूंढना था ना, वही ऑप्शन हो जाएगा। चलो सेकंड देखते हैं अपन। रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, यस, डिस्पर्जन मतलब वर्ण विक्षेपण होता है इसके अंदर, रिफ्रैक्शन, यस रिफ्रैक्शन भी होता है, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, यस रिफ्रैक्शन तो होता ही है, लाइट है जैसे ड्रॉप है ना, ड्रॉप के अंदर से लाइट जब एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहां पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर वापस रिफ्रैक्शन होता है, तो देखो डिस्पर्जन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। व्हेन द लाइट रेज अंडरगो टू इंटरनल रिफ्लेक्शंस इन ए वाटर ड्रॉप ए सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म्ड, यस। देखो दो टाइप के रेनबो फॉर्म होते हैं, तो प्राइमरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी रेनबो के अंदर दो रिफ्रैक्शन और एक रिफ्लेक्शन होता है, सेकेंडरी रेनबो के अंदर दो इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं और दो रिफ्रैक्शन होते हैं, और डिस्पर्जन तो दोनों में होता ही है, तो सेकेंडरी रेनबो के अंदर दो रिफ्लेक्शन होते हैं बेटा, सेकेंडरी रेनबो में टू इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्या कह रहा था, ऑर्डर ऑफ कलर्स इज रिवर्स इन द सेकेंडरी रेनबो, यस, सेकेंडरी रेनबो के अंदर जो कलर का जो ऑर्डर है वो अपोजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, और आपने अगर देखा भी होगा प्रैक्टिकली तो आपको पता है, ठीक है। और रेनबो जो देखा जाए बेटा तो आपको बो शेप में यूं सेमी सर्कल शेप में दिखता है, लेकिन अगर आप बहुत हाइट पे चलते हो ना प्लेन से तो आपको वो सर्कल की शेप में दिखता है, एक्चुअली वो सर्कल ही बनता है, लेकिन वो होराइजन पे होता है सन, आप भी होराइजन से देख रहे होते तो आपको आधा सर्कल दिखता है, आधा नहीं दिखता है, ग्राउंड के नीचे गया ना वो, मतलब वो बने तो बनेगा तो कैसे, लेकिन अगर आप बहुत हाइट पे हो प्लेन से जा रहे हो तो आपको रेनबो एकदम सर्कल की फॉर्म में दिखता है, ठीक है, सर्कल की फॉर्म में दिखता है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टेक्ट व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब संपर्क के माध्यमों के युगल के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, ठीक है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण कितना होगा। तो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात हो रही, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। When the angle of incidence is equals to the critical angle for the pair of media in contact, what will be the angle of refraction? है ना? दो मीडिया है, इसका refract index mu है, बाहर वाले का air मान लिया चलो, ठीक है,
और ये दो माध्यम है, दो मीडियम है। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल के अगर बराबर हो जाए तो अपवर्तन कोण कितना होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्रिटिकल एंगल के लिए डेफिनेशन क्या होती है, लाइट रे डेंसर से रेयर में जब जाती है, ठीक है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रखें जिसके लिए लाइट रे 90 डिग्री एंगल पर रिफ्रैक्ट हो, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, और वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उस केस में उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, थीटा सी। तो थीटा सी के लिए एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड सिंपल सा है, TIR पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है 2019 के अंदर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच कलर ऑफ द लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अगर आप देखो बेटा तो कॉचीज इक्वेशन जो है रिफ्रैक्ट इंडेक्स के लिए, म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय लैम्डा की पावर 2, ये याद रखें, आप हमेशा याद रखें, लैम्डा ज्यादा होगा ना तो ये वाली क्वांटिटी कम हो जाएगी, इतना तो समझ में आ रहा है। इसका मतलब म्यू लैम्डा बढ़ने के साथ म्यू घटेगा, है ना। और हालांकि इसमें लैम्डा म्यू के बारे में तो पूछा ही नहीं, मैं तो कुछ और ही बताने लग गया। अच्छा सॉरी, हमसे केवल और केवल ये पूछा है कि किसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा है। तो कलर के हिसाब से देखा जाए तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, रेड की ज्यादा होती है, है ना, सबसे ज्यादा विबज्योर या विबज्योर जो भी कहो, इधर की तरफ जाने पे, रेड की तरफ जाने पे लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती है कि नहीं, इंक्रीज होती है। रेड की सबसे ज्यादा होती है, वायलेट की सबसे कम होती है, व्हाइट लाइट के लिए अगर हम बात करें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो, टू सिमिलर थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ एफ ईच आर केप्ट कोएक्सियली इन कॉन्टेक्ट विद सच दैट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज F1। यस, व्हेन द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विद ग्लिसरीन which has the same refract index mu equals to 1.5 as that of the glass, then the equivalent focal length is F2. Then find the ratio of F1 to F2. ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, वही सेम 1 upon F1 plus 1 upon F2 plus 1 upon F3 वाला ना। देखो सिंपल, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है, देखो 2019 के अंदर, तो इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट तो पक्का पक्का आप ध्यान रखें भैया, नीट का स्पेशल ध्यान रहता है उस पार्ट के ऊपर। तो फोकस दूरी F के दो समान समतलोत्तर लेंस, हिंदी में पढ़ दूं, एक दूसरे के संपर्क में समाक्ष इस प्रकार रखे गए हैं कि संयोजन की फोकस दूरी F1 है। तो अगर आप दो लेंस जिनकी फोकल लेंथ F है उन दोनों को अटैच करके रखोगे तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या लगेगा, 1 upon F plus 1 upon F equals to 1 upon F1, ना क्योंकि इक्विवेलेंट F1 है, तो यहाँ पे लिख दूं तो 1 upon F1 equals to 1 upon F plus 1 upon F, यही तो है 2 by F, आया कि नहीं आया। इसका मतलब F1 की वैल्यू कितनी आ गई, F/2 आ गई ना, ये वैल्यू याद रखनी है हमें। तो यहां से F1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है F/2, हो गया, इसको साइड में रख देते हैं। चलो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। जब इन दोनों लेंसों के बीच के स्थान में ग्लिसरीन जिसका अपवर्तनांक कांच के पदार्थ, कांच के अपवर्तनांक का मतलब म्यू बराबर 1.5 के बराबर है, ओके, भर दिया जाता है तो तुल्य फोकस दूरी F2 है, राइट। अनुपात F1/F2 क्या है, ओके, अब देखो एक बार जरा, ये जो दोनों जो लेंस समतलोत्तल जो लेंस आपने यूज कर रखे हैं, समतलोत्तल इक्वी कॉन्वेक्स, ये सम उत्तल लेंस है, समतलोत्तल नहीं, सम उत्तल लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब ऐसा है, इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी दोनों की, सेम दोनों सरफेस के लिए। इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स जो है वो म्यू ज़ूम कर लिया हमने, बात आई समझ में आपको, म्यू ज़ूम कर लिया। और इस पार्ट को प्लीज आप थोड़ा सा गौर से देखना, इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू है। अब मैं अगर इसकी फोकल लेंथ की बात करूं तो फोकल लेंथ है एफ, जो किसने दे रखी है ऑलरेडी एफ, तो 1/F की वैल्यू अगर मैं पूछूं आपसे तो कितना आएगा, म्यू बाय 1 माइनस 1, ये हम फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं, 1/R1 माइनस 1/R2, तो ये 2/R आ जाएगा। तो यहां से एफ की जो वैल्यू है या 1/F की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई, म्यू माइनस 1 2/R आ गया, समझ में आई बात, ये हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो दोनों लेंस हैं
इन दोनों लेंस के बीच वाला जो पार्ट है उसके अंदर हमने सेम मीडियम का, ये ध्यान से पढ़ना देखो, व्हेन द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विद ग्लिसरीन व्हिच हैज द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब सेम मतलब दोनों लेंस जो यूज कर रखे हैं हमने ये वाले, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव जो भी है वो सेम है, इसके अंदर वाला भी सेम मीडियम से हमने भर दिया 1.5 से, 1.5 से हमने फिल किया है, ठीक है। तो 1.5 से अगर आप इसको फिल करोगे तो अब बताओ जरा, अब जो लेंस बनेगा उस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, इस वाले लेंस की, इस वाले लेंस की फोकल लेंथ मैंने एफ डैश मान ली, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ये भी आर और इसका भी म्यू रहेगा फिर तो वो, तो इसके लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/f' इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, म्यू माइनस वन, यहाँ पे आर, ये भी आर, तो माइनस का 2/r आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/f' की वैल्यू जो है वो माइनस का 2 म्यू माइनस 1/r आया, आया कि नहीं आया, ये वैल्यू आ गई। तो अब ये जो तीन लेंस बने, इन तीनों लेंस की फोकल लेंथ का अगर मैं कॉम्बिनेशन लूं तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा बताओ, कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जिसको मैंने f2 लिखा है यहाँ पर, जिसको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, f2 दिया हुआ है, तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/f जो कि ये था प्लस 1/f' जो कि ये है, फिर वापस तीन है ना लेंस, 1/f ये वाले वैल्यू आ जाएगी, आगे ना। अब ये 1/f' और 1/f देखो दोनों इक्वल हैं लेकिन वैल्यू नेगेटिव है, एक की पॉजिटिव है, ये कट जाएंगे ना, तो 1/f2 बराबर 1/f है, तो इसका मतलब f2 बराबर f आया, देखो आया कि नहीं आया, f2 तो f के इक्वल है और f1 जो था वो f/2 के इक्वल था, f/2 के इक्वल, ये देखो ये रहा, तो f1/f2 कितना आएगा फिर, f/2/f, f से f कट गया, वैल्यू कितनी, 1/2, खत्म, क्लियर है ना, सिंपल। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था नीट 2019 में, लेकिन अगेन वही सेम अप्रोच, उसी टाइप का फॉर्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, तो प्लीज़ आप इस पार्ट को ज़रूर अच्छे से कवरअप करें, ठीक है। तो ये था आपका 346 तक रे ऑप्टिक्स के आपके क्वेश्चन, इसमें एक वेव ऑप्टिक्स का भी क्वेश्चन था, वो हम नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम कवरअप करेंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो रे ऑप्टिक्स में से जो भी क्वेश्चंस 2013 से 2019 के बीच में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, और किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आप थोड़ा सा उस पर गौर कीजिए, ठीक है। तो लेंस हो गया, लेंस कॉम्बिनेशन हो गया, लेंस कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कई सारे पूछे गए हैं, ठीक है, उस पार्ट को आप अच्छे से कवरअप करें, और बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, उसे घबराइए नहीं, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला जो है उनको पढ़िए, साइन कन्वेंशन लगाना जरूर सीखें, साइन कन्वेंशन के को सही से यूज़ करें, ठीक है, उसमें मिस्टेक ना करें, ओके। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, थैंक यू।